अध्याय उनतालीस रोग से ग्रस्त पत्नी को लेकर उपेंद्र पाँच छह महीने तक नैनीताल में रहकर अभी कुछ दिन हुए बक्सर आए यह है सुरबाला की अंतिम इच्छा उस दिन संध्या के बाद दीपक के प्रकाश में बड़ी देर तक मौन देखते रहने के बाद यह परलोक की यात्री धीरे धीरे पति के हाथ पर अपना दायां हाथ रखकर बोली तुम्हारी बातों पर अब संदेह नहीं होता आज मुझे एक बात सच सच बता दोगे बुलावे में तो नहीं डालोगे उपेंद्र ने पत्नी के मुंह पर झोंक कर कहा कौन सी बात पशु सुरबाला पल भर चुप रहकर बोली तुमको मैं फिर पाऊंगी तो उपेंद्र पत्नी के माथे पर से रूखे बालों को हटाकर शांत दृढ़ शोर से कहा अवश्य पाओगी अच्छा कितने दिनों में पाऊंगी मैं तो जल्दी ही जा रही हूँ लेकिन उतने दिनों तक कहाँ तुम्हारे लिए बैठी रहूंगी स्वर्ग में रहोगी वहां से मुझे बराबर देख सकोगी लेकिन मैं अकेले किस तरह रहूंगी अच्छा सभी डॉक्टर जवाब दे चुके हैं ऐसी कोई दबा नहीं है जिससे मैं बचूं मेरे चले जाने से तुमको बहुत कष्ट होगा एक बूंद आंसू किसी प्रकार भी उपेंद्र संभाल न सके टप करके सुरबाला के ललाट पर चू पड़ा उसके संपूर्ण हृदय को मत कर सिकुआ फूट निकली भगवान पति के हृदय में तुमने केवल इतना प्यार ही दिया लेकिन इतनी भी शक्ति नहीं दी कि स्नेहास्पद को एक दिन भी अधिक पकड़ रखें सुरबाला अपने दुबले हाथ को उठाकर पति की आंखें पोंछ कर बोली तुम्हारी रुलाई मैं सह नहीं सकती मेरी और एक बात मानोगे उपेंद्र ने गर्दन हिलाकर कहा मानूंगा सुरबाला ने कहा तब तो मेरी छोटी बहन सची के साथ छोटे बाबूजी का ब्याह कर देना मैंने बहुत दिनों से उनको देखा नहीं है दूसरे दिनों में पढ़ाई में कौन सी बड़ी हानि हो जाएगी एक बार कलकत्ता से आने के लिए तार दे दो ना उपेंद्र की छाती में फिर एक बाढ़ बीत गया दिबाकर को सुरबाला कितना प्यार करती थी इसे वो जानते थे पर उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने का कोई उपाय नहीं है दिवाकर की परम कीर्ति को बहुत दिन तक उन्होंने अपनी पत्नी से छिपा रखा था आज भी उसको प्रकट नहीं किया तार देने के अनुरोध पर बातों में बहला कर बोले लेकिन उसके साथ सची का ब्याह करने की तुम्हारी राय पहले तो नहीं थी पशु केवल मेरी राय के आधार पर ही तुमने अपनी राय दी थी अब मेरा अपना विचार भी बदल गया है सच्ची के लिए बहुत अच्छा विवाह संबंध मैं ठीक कर दूंगा अब दिवाकर से उसके इस ब्याह की आवश्यकता नहीं है सुरो सुरबाला ने कहा नहीं ये नहीं होगा छोटी बाबु जी के साथ सची का ब्याह कर देना उपेंद्र आश्चर्य में पड़कर बोले क्यों सुरबाला ने कहा उसका मुंह देखकर तुम किसी दिन फिर हमारे लिए पराए न हो सकोगे इसके अतिरिक्त तो वो मकान में रहेगी तो तुमको भी तो देख सकेगी उपेंद्र ने अनमने होकर कहा अच्छा यदि असंभव न हुआ तो कर दूंगा इसके तीन दिन बाद खबर पाकर उपेंद्र के मना करते रहने पर भी महेश्वरी आ गई सुरबाला ने उनकी गोद में सिर रखकर कहा मेरे चले जाने पर उन पर जरा निगाह रखना बहन मैं तो जाती हूँ वो फिर भी ब्याह न करेंगे लेकिन भारी कष्ट होगा तुम सभी लोग उन्हें देखना तुम लोगों से यही मेरी अंतिम विनती है उसकी आंखों से आंसू झरने लगे महेश्वरी उसकी छाती पर औंधी गिर कर रो उठी मुंह से एक भी बात ना निकाल सकी इसी प्रकार और भी तीन चार दिन बीत गए उसके बाद एक दिन सवेरे पति की गोद में माथा रखकर सारे मोहल्ले को शोक समुद्र में निमग्न करके वो सतीश साधवी स्वर्ग चली गई। उपेंद्र शांति और स्थिर भाव से पत्नी का अंतिम संस्कार करके महेश्वरी को साथ लेकर अपने घर लौट आए उपेंद्र तो के पिता शिवप्रसाद बाबू पुत्र के लिए परेशान हो गए थे लेकिन अब लड़के का मुंह देखकर बहुत कुछ आश्वस्त हुए मन ही मन बोले नहीं जितना मैं डर गया था उतना नहीं है यहां तक कि उन्होंने निकट भविष्य में एक और सुंदर बहु घर में लाने की सोची लेकिन अंतर्यामी ने शायद छिपे रहकर बूढ़े के लिए उस दिन लंबी सांस ले ली कुछ ही दिनों के बाद उपेंद्र को कोर्ट के लिए घर से निकलते देखकर शिव प्रसाद ने संतोष का अनुभव किया यहाँ तक कि पुत्र को कुछ क्षण के लिए अपने पास बुलाकर संसार की अनित्यता के विषय में बहुत सी हितकर बातें कहकर अंत में बोले उपेंद्र तुमको और क्या समझाऊं बेटा तुम स्वयं ही सब कुछ जानते हो सब समझते हो इस संसार में कुछ भी चिरस्थाई नहीं है आज जो है वो कल नहीं रहेगा सब माया है ये बात सदा याद रखना बेटा कभी भविष्य को नष्ट मत करना प्राणपण से उन्नति करने का यही तो समय है कौन किसका है शास्त्रों में लिखा है चला चलमिद सजीवति अर्थात सम्मान कहो प्रतिष्ठा कहो सब कुछ है रुपया रुपया कमाने पर ही सब कुछ निर्भर है देखो ना सतीश के बाबूजी किस प्रकार रुपया रख गए हैं बताओ तो ये कहकर गंभीर भाव से वो सिर हिलाने लगे उपेंद्र मुंह झुकाए चुपचाप सब सुनकर जैसी आज्ञा कहकर कचहरी चले गए कचहरी में सतीश के से भेंट हो गए उन्होंने इस दुर्घटना के लिए दुःख प्रकट करके अंत में सतीश की चर्चा छेड़ दी उपेंद्र की धारणा थी कि सतीश पिता की मृत्यु के बाद से घर पर ही है लेकिन अब उसने सुन लिया कि वो घर पर तो है अवश्य लेकिन यहाँ नहीं गांव के घर पर है टूनी बाबू सतीश के सौतेले बड़े भाई हैं उन्होंने सतीश को अच्छी दृष्टि से कभी नहीं देखा एक घर में रहते हुए भी कभी उसका हाल चाल जानने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी वस्तुतः सतीश के साथ उनका संबंध नहीं था ये कहना भी अनुचित नहीं है पिता की मृत्यु होने से आधे का हिस्सेदार बनकर वो भैया की और भी, भी दृष्टि में पड़ गया है वो बोले इसके बीच ही प्राय तीस हजार रुपया खर्च करके उसने खूब बड़ी दो डिस्पेंसरिया खोल दिए सौ रुपये मासिक वेतन पर डॉक्टर रख लिया इसके अतिरिक्त मकान तक को अस्पताल में बदल दिया है उपेंद्र ने सहज भाव से कहा हाँ बहुत दिनों से उसकी इच्छा थी केवल रुपए के, के अभाव से ही वो इतने दिनों तक ये काम न कर सका था टूनू बाबू ने व्यंग करके कहा ऐसा तो मुझे भी जान पड़ता है उपेन्द्र लेकिन केवल डिस्पेंसरी खोलने की इच्छा ही तो तुम जानते थे उसके साधन वजन का अर्थ तुम नहीं जानते थे भैया उपेंद्र ने आश्चर्य में पढ़कर पूछा साधन वजन कैसा टूनू बाबू बोले यही जैसे चक्र कारण पंचमकार इत्यादि केवल फिलान्थ्रफिस्ट नहीं है जी सतीश स्वामी अब वो एक उच्च कोटि के साधक हैं गेरुआ वस्त्र पहनते हैं बड़ी बड़ी दाढ़ी रुद्राक्ष की माला ललाट पर सिंदूर का तिलक सदा ही घूमते हुए नेत्र उसका एक हस्ताक्षर लेने के लिए रास बिहारी को मैंने भेजा था वो तो डर के मारे दो दिन पास तक नहीं जा सका था और इस चिट्ठी को पढ़कर देखो उसके नौकर बिहारी ने मेरे पास लिख भेजी है अभी तक उत्तर नहीं दिया गया है इसलिए पॉकेट में ही ये घूम रही है ये कहकर उन्होंने एक पीले रंग का मुड़ा हुआ कागज़ निकालकर उपेंद्र के सामने रख दिया निरुपाय होकर बिहारी ने सतीश के बड़े भाई के लिए चिट्ठी लिखवा लिए आदि से अंत तक चिट्ठी पढ़ी न जा सकी लेकिन जितनी पढ़ी गई उसने ही उपेंद्र को बड़ी देर तक चकित रखा उसके बचपन का शुरद उसका दायां हाथ उसका छोटा भाई वह आज इतना नीचे गिर गया है कि बदनामी का जरा भी डर नहीं रहा बल्कि वो इस बात पर गर्व कर रहा है कि वो धर्म साधना कर रहा है शायद उस दासी से भी सहयोग लिया है इसके अतिरिक्त बिहारी की चिट्ठी के भाव से यह भी समझ में आता है कि गांव के कुछ निकम्मे लोग भी उसके साथ जुड़ गए हैं उपेंद्र तो अनमने होकर चिट्ठी पाकेट में डालकर कचहरी से घर लौट आए टोनू बाबू को लौटा देने की बात उन्हें याद ही नहीं रही बिहारी ने चिट्ठी डाक में छोड़ दी थी आरंभ में कई दिनों तक वो स्वयं टूनू बाबू से मिलने के लिए उतावला हो रहा था बाद में एक उत्तर के लिए अधीर होकर दिन बिताने लगा लेकिन दिन पर दिन बीत गए नहीं आए बड़े बाबू नहीं आया उनका उत्तर विशेषतः ठाकुर बाबा के अत्याचार से ही बिहारी परेशान हो उठाए ये हैं तांत्रिक साधु सिद्ध पुरुष सतीश के मंत्र गुरु हैं आठों पहर मदिरा और गांजा सेवन करने से स्वभाव दुर्भाषा से भी अधिक उग्र हो चला आए जबान इतनी खराब है कि केवल क्रोध करने पर ही नहीं स्वाभाविक बातचीत में में भी कानों में अंगूल देनी पड़ती है है लेकिन यही शायद तांत्रिक सिद्धि का लक्ष्य इसके अतिरिक्त सतीश के गुरु भी तो हैं बिहारी अपनी ओर से उनके प्रति कम श्रद्धा भक्ति नहीं रखता था लेकिन सतीश के किसी प्रकार के अनिष्ट की गंध पाते ही बिहारी हिताहित का ज्ञान खो बैठता था गुरु बाबा के प्रशिक्षण में सतीश और उसके दल के निशिया की चक्र साधना और उससे भी अनुसांगिक अनुष्ठान इतने दिनों तक बिहारी ने किसी प्रकार सहन कर लिया था लेकिन जिस दिन मदिरा और गांजा बाबा का प्रसाद पा गया उस दृश्य को यह बूढ़ा नौकर किसी तरह भी सह न सका सतीश के अनुपस्थिति में वो कमरे में घुसकर उनकी पद धूली लेकर हाथ जोड़ भक्तिपूर्वक बोला बाबा अब दिन के समय फिर कभी बाबू को गांजा शराब मत पिलाइएगा आग में घी पड़ गया बाबा एक क्षण में सातवें सुर पर चढ़कर चिल्ला उठे तो साला मदिरा कहता है ने से कहा क्या जानू बाबा हमारे देश में तो उसे मदिरा ही कहते हैं बाबा ने कहा मदिरा लेकिन साले इससे तेरा क्या बनता बिगड़ता है तू बोलने वाला कौन है बियारी ने फिर भी दृढ़ शोर से कहा मैं हूँ बाबू का नौकर वे मेरे नौकर कहकर बाबा जी अश्लील गाली गलोच सुनाकर दांत कटकटा बोल उठे लेकिन मैं हूँ तेरे बाबू का भी बाबा ये तू जानता है बिहारी बैठा हुआ था झटपट उठा और चिल्लाकर बोला खबरदार मेरे सामने तुम ये सब बातें मत कहो देता हूं। थाको बाबा तो यूं ही दिन रात प्राय बदहवास रहते थे बिहारी के तिरस्कार से बिल्कुल ही कर्तव्य ज्ञान से शून्य हो गए बोले तू क्या करेगा रे साले एक कहकर सामने की खड़ा उठाकर बिहारी का सिर ताक कर उन्होंने जोर से फेंक दी बिहारी की नाक से रक्त की धारा बहने लगी और क्षण भर में ही उसके हृदय के किसी अज्ञात स्थान में चालीस साल पहले का गर्म खून और बिखौर उठा पल भर में उसने कमरे के कोने से बाबा का हाथ भर लंबा त्रिशूल बाबा के माथे पर तान दिया डरकर अपने दोनों हाथ सामने रखकर बाबा कुत्ते की तरह चिल्ला उठे और उस समानुषिक चिल्लाहट से बिहारी भी संभल गया वो हाथ का त्रिशुल यथास्थान रखकर नाक का खून पोचते पोछते चला गया घंटा बीत जाने पर सतीश ने पूछा क्या यह सच है बिहारी अपने रक्तपात का वेतन हर महीने तेरे घर भेज दिया करूंगा बिहारी ने सिर झुका कर कहा जो आज्ञा उसने दुख प्रकट नहीं किया क्षमा याचना नहीं की दो सौ रुपये चादर के छोर में बांधकर मालिक के चरणों को धूली माथे पर चढ़ाकर संध्या के पहले ही गांव छोड़कर चला गया जब तक वो दिखाई पड़ता रहा सतीश ऊपर के बरामदे से उसकी ओर निहारता रहा क्रमश विधुपाल की दुकान की ओट में जब वो वजिल हो गया तब वो लंबी सांस लेकर बोला जाने दो इतने दिनों बाद बिहारी भी चला गया इस बार आश्विन के प्रथम सप्ताह में ही महामाया की पूजा आये अभी उसमें देर है लेकिन सतीश की मित्र मंडली में अभी से ही चर्चा चल रही है कि इस बार देवी की पूजा में क्या क्या करना चाहिए अष्टमी के लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए लेकिन के मध्य में मलेरिया का प्रकोप अत्यंत बढ़ गया यहां तक कि डॉक्टर की दौड़ धूप आरंभ हो गई आज कई दिनों से सतीश की तबियत अच्छी नहीं है बिहारी जिस दिन चला गया उसी रात को उसने जोर का अनुभव किया संभवतः एकादशी के कारण ऐसा हो गया है सोचकर उसने दूसरे दिन सवेरे उसे उड़ा देना चाहा लेकिन जो यथार्थ में जिसका भार है उसे इस तरह सहज में उड़ाया नहीं जा सकता सारा दिन उसने मानना ही पड़ा कि वो स्वस्थ नहीं है तीन दिनों के बाद पूर्व प्रथानुसार चतुर्दशी की रात को ही धूमधाम से पूजा की तैयारी हुई थी लेकिन सतीश ने स्वयं सम्मिलित तो होना स्वीकार किया तीसरे पहर गुरु बाबा ने आकर सतीश के माथे पर शांति का कर, कर का जल कमंडल दिखाकर हंसते हुए कहा बेटा इस पर यम भी अधिकार नहीं है इसके अतिरिक्त तो तुम ही तो मूलाधार हो तुम्हारे न रहने से तो सब चौपट है गुरु जी की बात को सतीश टालता नहीं था इसलिए अपनी इच्छा के विरुद्ध भी वो सहमत हो गया वास्तव में बिहारी को विदा करने के बाद से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था यद्यपि किसी प्रकार उसे विश्वास नहीं होता था कि बिहारी बिल्कुल ही चला गया है फिर ना आएगा तथापि जितना जल्दी हो सके उसे फिर पाने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो उठा इसके एक और चिंता उसे भीतर ही भीतर कष्ट दे रही थी कौन जाने बिहारी अपने घर ही गया गया है है या हम लोगों के पश्चिम वाले मकान पर गया है। कहीं ऐसा ना हो कि सारी बातों का प्रचार करके कोई बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश करता हो या और कोई चाल चल रहा हो जो भी हो उसे फिर एक बार आंखों से देखे बिना सतीश किसी प्रकार भी चैन नहीं पा रहा था संध्या के पूर्व ही दुमन जिले के कमरे में दो एक प्याले पी लेने पर सतीश का वो निर्जीव भाव कट गया था लेकिन फिर भी हृदय की ग्लानी उससे भीतर ही भीतर पीड़ा दे रही थी ठीक उसी समय पास के कमरे में बिहारी की आवाज सुनकर सतीश पुलकित पुल उठा और आश्चर्य से चौंक पड़ा उसने पुकारा बिहारी है क्या रे बिहारी दरवाजे के निकट आकर श्रद्धा के साथ बोला जी हाँ क्या आज्ञा है गुरु बाबा का चेहरा काला पड़ गया उन्होंने कहा यह कंबक्त फिर आ गया बेटा साला इस कमरे में घुस क्यों आया इसी कमरे में उनके नितिश चक्र का आयोजन हो रहा था सतीश ने इन सब प्रश्नों का उत्तर न देकर बिहारी से पूछा क्या तू तो अपने घर नहीं गया था काशी काशी क्यों गया था मां जी को लाने सतीश सतीश चौंक उठा बिहारी किसको कहता है ये जानता था उसने कहा वो क्या काशी में रहती है जी हाँ तो उसका पता ठिकाना जानता था बिहारी ने कहा नहीं लेकिन मैं जानता था मां जी जहां कहीं भी क्यों ना हो विश्वनाथ बाबा के मंदिर में किसी दिन भेंट हो ही जाएगी भेंट हुई थी जी हां सतीश के दिल में हलचल सी मचने लगी कुछ क्षण शांत रहकर अपने को संभाल कर रूखे शोर से उसने कहा लेकिन मुझे खबर न देकर वहां जाना तेरा अच्छा नहीं हुआ उन स्त्रियों में मान सम्मान लज्जा शर्म कुछ भी नहीं है तेरे जैसे अहमक को पाकर यदि वो तेरे साथ चली आती तो आज तो किस विपत्ति में पड़ जाता बता तो बिहारी चुपचाप खड़ा रहा सतीश तब आप ही आप फिर कहने लगा घर में घुसने तो देता ही नहीं फाटक के बाहर से ही दरबान निकलवा देता उसे लेकर इतनी रात को तो कैसी विपत्ति में पड़ जाता सोच तो ले भला क्या कारण ही लोग तुझे गवार ग्वाला कहते हैं कालीचरण जरा ठीक से एक प्याला दे देना भैया आज्ञा मिलते ही कालीचरण ने मूल साधक के हाथ में एक प्याला दे दिया बिहारी ने कहा बाबू मां जी आपको बुलाती हैं सतीश प्याला मुंह में लगाने ही जा रहा था कि चौंक कर बोला कौन बुला रही है तूने क्या कहा है ब्यारी बोला माँ जी सतीश ठगे की भांति हाथ की प्याली को पीक दानी में उडेल कर बोला तेरे साथ आई है क्या तो तूने पहले क्यों नहीं बताया ब्यारी ने उसका उत्तर न देकर सा कहा वो उसी क्षण आपको बुला रही है सतीश ने धीमे शोर में कहा तू जाकर कह दे ब्यारी बाबू को बुखार वो आया है इसलिए बाहर के कई इष्ट मित्र उन्हें देखने आए है आध घंटे बाद आऊंगा जा कह दे बिहारी ने अपने हाथ से दरवाजे की ओर संकेत करके धीरे से कहा माँ जी यही तो खड़ी है एक बार बाहर चले आइए सतीश ने चौंक कर अंगुली के संकेत से पूछा इसी कमरे में बिहारी ने गर्दन हिलाकर कहा हां यही तो है सतीश झटपट दो चार लौंग इलायची मुंह में डालकर उठ पड़ा धीरे धीरे बाहर जाकर उसने देखा कि उसके पास के दरवाजे की आड़ में ही सावित्री के आँचल का छोर दिखाई पड़ रहा है वो अपने कानों से सब बातें सुन चुकी है इसमें कुछ भी संदेह उससे नहीं था उसकी इच्छा हो रही थी कि मूर्ख बिहारी के गाल पर अच्छी तरह दो थप्पड़ जमा दे सावित्री ने झांक कर धीरे से कहा भीतर आओ इस शोर से मानो उसके हृदय के सब तार बंधे थे सभी एक ही साथ बज उठे उसके कमरे में घुसते ही सावित्री ने कहा तुम कह रहे थे कि बुखार आया है सतीश ने सिर लाकर कहा बुखार तो आ ही गया है कहा देखो सावित्री ने हाथ बढ़ाकर उसके माथे का ताप अनुभव किया वो तो चौंक पड़ी बोली हाँ सचमुच ही है शरीर मानो जल रहा है आओ मैं बिछोना बिछा देती हूँ चलो कमरे में सो जाओ बिहारी बाबू के कमरे में जाकर बत्ती जला दे फिर तिमंजिले की सीढ़ियों की ओर बढ़ चली उसने इस घर में आते ही बाबू का सैनग्रिया बिहारी से पूछ लिया था पलंग पर बिछौना तैयार ही था केवल आंचल से जरा झाड़ते ही सतीश शांत बालक की तरह नेत्र बंद करके लेट गया सिरहाने और पैरों की ओर की दोनों खिड़कियां बंद करके उसने बिहारी से पूछा साधु बाबा किस कमरे में रहते हैं बिहारी के पास का कमरा दिखा देने पर सावित्री ने कहा उनकी क्या-क्या चीजें हैं वह नीचे रखाओ बिहारी बाहर तो कितने ही कमरे खाली पड़े हैं उनमें से किसी एक में वह खूब अच्छी तरह रह सकते हैं बिहारी चलने लगा था साबित्री ने पुकार कर कहा और बाबू को जो लोग देखने आए थे उनको भी जाने के लिए कह देना कहना बाबू को खूब जोर आया है अब नीचे उतर सकेंगे सतीश कुछ नहीं बोला मुंह छिपाए लेटा रहा बिहारी वीर की बाती आदेश का पालन करने चल पड़ा उसके चले जाने पर सावित्री ने कहा अब तुम उठना मत मैं खाने पीने का इंतजाम करके आती हूँ फिर द्वार बंद करके

बाबा ने उग्रता नहीं दिखाई उन्होंने शांत बाब से पूछा माँ जी कौन है बिहारी बिहारी ने कड़े शोर से उत्तर दिया इस पूछताछ की तुम्हें क्या आवश्यकता है महाराज जी जो कह रहा हूं वही करो मन ही मन बोला कौन है इसका पता तुमको लग जाएगा बिना पैसे खर्च किए ही शराब गांजा पीकर खड़ाओं मारने की कसर कल में निकालूंगा सभी एक दूसरे के मुंह की ओर मुं ताकते हुए उठने की तैयारी करने लगे कोई भी न समझ सका कि क्या बात है लेकिन आदेश जब सच्चे रूप में निकल आता है तो वो किसी के ही मुंह से क्यों ना आया हो लोग निश्चित रूप से समझ जाते हैं कि उसको न मान लेने से काम नहीं चलेगा बिहारी मा... ने रसोई घर में जाकर देखा सावित्री रसोईया महाराज से दूध गर्म करवा रही है उसने कहा रात हो गई अभी तक तो तुमने स्नान संध्या पूजा नहीं की दिन भर गाड़ी में एक बोध पानी तक तुमने नहीं पिया चलो पहले तुमको स्नान की जगह दिखा दू तब तक बाबू का दूध गर्म हो जाएगा उस सावित्री को एक प्रकार से बलपूर्वक ही ले गया उससे भेजकर बिहारी ने बाबू के लिए तंबाकू चढ़ाया हाथ में गुड़गुड़ी लेकर चुपके से किबाह ठेल बाबू के कमरे में चला गया सतीश चुपचाप पड़ा हुआ था आंखें खोलकर बोला कौन बिहारी है क्या हाँ बाबू तम्बाकू चढ़ा लाया हूँ यहाँ आ वो कहाँ है रे बिहारी ने कहा अभी तक एक बूंद पानी उनके मुंह में नहीं गया है इसलिए जबरन स्नान करने के लिए भेजकर तब आया हूं बाबू सतीश ने कहा अच्छा किया लेकिन मैं तुझे ढूंढ रहा था बिहारी बिहारी कबरा उठा क्यों बाबू इस समय तबीयत कैसी है सतीश ने सिर हिलाकर कहा अच्छी नहीं बिहारी इसलिए मैं तुझे ढूंढ रहा था दरवाजे में सिटकनी लगाकर मेरे पास आकर जरा बैठ बिहारी दरवाजा बंद करके संकेत मन से मालिक के पैरों के पास आकर भूमि पर घोटने के बल बैठ गया सतीश ने पूछा अच्छा बिहारी तू ग्रह कोप मानता है बिहारी ने आश्चर्य से कहा ग्रहकोप ग्रहों का कोप बला मैं ना मानूंगा पोथी पत्रा का लिखा क्या कभी झूठ हो सकता है बाबू सतीश जरा चुप रह कर बोला इस बार मेरा एक बहुत बड़ा ग्रहक पे बिहारी बिहारी सिहर उठा बोला नहीं nah, नहीं nah, ऐसी बात आप मत कहिए बाबू सतीश ने दो बार सिर हिलाकर कहा मुझे पता लग गया है बिहारी ये जोर मेरा अंतिम जोर है इस बार मैं बचूंगा नहीं पल भर में बिहारी मालिक के दोनों पैर पकड़कर बोल उठा ये बात मुंह से मत निकालिए बाबू आपकी सारी विपत्ति लेकर मैं ही मर जाऊं तो ठीक हो मेरी परमायु लेकर आप जीवित रहिए बाबू नहीं तो हम सभी लोग मर जाएंगे ये कहते कहते बिहारी जोर से रोने लगा सतीश ने गंभीर होकर कहा मरने जीने की बात तो ठीक बताई नहीं जा सकती बिहारी यदि मैं न भी बचू तुझसे मैं जो कुछ पूछता हूँ सच सच बताएगा तो बिहारी ने रोते रोते कहा मैं आपके पांव छूकर शपथ खा रहा हूं बाबू एक भी बात मैं झूठ न बोलूंगा कुछ भी तो छिपाएगा नहीं बता नहीं बाबू कुछ भी नहीं तब सतीश ने कहा अच्छा बैठ जा बिहारी आंखें पहुंचकर अपनी जगह पर बैठ गया सतीश ने पूछा सावित्री तुझे कहाँ मिली बता तो। ये तो मैं कह चुका हूं काशी में वहां बिपिन बाबू के साथ तेरी भेंट हुई थी बिहारी जीभ काटकर घृणा के साथ बोल उठा राम राम वो हराम ज्यादा हम लोगों का कौन है कि उससे भेंट होती बाबू सतीश ने कहा लेकिन तूने तो अपनी आंखों से उनको उसके बिछौने पर बिहारी ने दोनों हाथ उठाकर सतीश की बात पूरी भी न होने दी एक काय अत्यंत तो उत्तेजित होकर अपने गालों पर मुंह पर कई चपते जड़कर कहने लगा उसका दंड यही 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 तो बिना जाने कह दिया था इसलिए अब पांच आदमियों के सामने मुंह दिखा सकता हूं नहीं तो मेरी ये जीभ इतनों दिनों से सड़कर गिर गई होती सतीश ने आश्चर्य में पड़कर कहा क्या हो गया रे तुझे बिहारी तब लज्जित होकर स्थिर भाव से बैठ गया और एक करके सारी बातें करने लगा उसने कुछ भी बढ़ाया नहीं एक बात भी छिपाई नहीं स्वयं जो कुछ जानता था मोक्षदा के मुंह से चक्रवर्ती से जो कुछ सुन चुका था सावित्री से जो जो बातें जान सका था सब एक एक करके उसने स्पष्ट रूप से सुना दी इस पत्थर की मूर्ति की भांति स्तब्ध होकर बैठा रहा बिहारी के मुंह में भी अब कोई बात नहीं रही बहुत देर के बाद सतीश ने एक लंबी सांस लेकर कहा इतने दिनों से ये तूने बताई क्यों नहीं बिहारी बिहारी ने कहा कितने ही दिनों से बताने के लिए मेरी छाती मानो फटती जा रही थी बाबू लेकिन किसी तरह मुंह खोल नहीं सकता था क्यों सुनो तो मां जी ने सिर का शपथ दिलाकर मना कर दिया था बाबू सतीश फिर कुछ देर चुप कर बोला अच्छा मान लेता हूँ कि यही बात है लेकिन उस रात को सावित्री अपने ही मुंह से कह गई थी कि वो बिपिन के अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहती उनके ही साथ वो जा रही है उसका क्या अर्थ है बिहारी बोला ये बात मैं स्वयं भी समझ नहीं सकता बाबू फिर भी मैं जानता हूं कि ये झूठ है झूठ बिल्कुल झूठ है यदि ये झूठ ना हो तो मेरा एक भी लड़का ना बचे बाबू माजी के जाते समय रोकर मैंने कहा था क्यों इस मिथ्या कलंक के बोझ को तुमने स्वयं ही अपने सिर पर उठा रखा है माँ फिर भी माजी ने मुझे बता देने की आज्ञा नहीं दी स्वयं भी रोते रोते उन्होंने मुझसे कहा प्यारी मेरे सिर की शपथ है भैया ये सब बातें बाबू से तुम मत कहना वो मुझसे घृणा करें और कभी मेरा मुंह न देखें वही मेरे लिए अच्छा होगा तो भी उनको मत बताना कि मैं अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार कर जा रही हूँ ये कहकर उस रात की करुण याद की पीड़ा से बिहारी टप टप आंसू गिरा कर रोने लगा लेकिन स्वामी की आंखों से भी आंसुओं की धारा बह रही थी बुरा नौकरी देख न सका बहुत देर बाद सतीश ने धीरे से आंसू पोस कर कहा तो समझ नहीं सकता बिहारी लेकिन मैं समझ गया हूं किस लिए उसने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार दी थी लेकिन असत्य की तो जीत नहीं होती बिहारी तभी द्वार पर हाथ का आघात पड़ा ये क्या दरवाजा बंद करके सो गए क्या सिटकनी खोल दो बिहारी ने स्वामी के मुख की ओर देखा लेकिन स्वामी नेत्र बंद करके चुपचाप लेटे रहे बाहर से फिर आवाज आई दरवाजा खोलो ना हाथ जल रहा है बिहारी ने उठकर दरवाजा खोल दिया और वहां से चुपचाप चला गया अध्याय चालीस कटोरे में गरम दूध लिए सावित्री ने कमरे में आकर तिपाही पर झट से रख दिया वो सफेद चमकती हुई रेशमी साड़ी पहनी थी स्नान करने से लंबे भीगे बाल पीछे पर लहराकर नीचे लटक रहे थे कई छोटी छोटी लटे माथे पर आ पड़ी थी सतीश ने कनखियों से उसे देखा एकाएक जान पड़ा मानो उसने सावित्री को आज ही पहले पहल देखा हो लेकिन वो सतीश के भीगे नेत्रों को उस दीपक के छीण प्रकाश में न देख सकी मुस्कुरा बोली दरवाजा बंद करके मालिक और नौकर में क्या मशविरा हो रहा था सुनो तो इस बेहया आफत को किस प्रकार बाहर निकाल दिया जाए यही ना सतीश कुछ नहीं बोला कहीं बातें कहने से भीतर की कमजोरी पकड़ में न आ जाए इस डर से वो चुप ही रहा सावित्री ने कहा बचपन में बिल्ली के गले में घंटी बांधने की कहानी तुम पढ़ चुके हो ना मैं भी देखना चाहती हूं कि घंटी बांधने के लिए कौन आगे आता है तुम स्वयं या तुम्हारे वो साधु जी इस पर भी सतीश ने कोई बात नहीं कही जैसे चुप पड़ा था वैसे ही पड़ा रहा एक कुर्सी खींचकर सावित्री पास भी बैठ गई लेकिन इस बार उसका स्वर गंभीर हो उठा बोली तमाशा छोड़ो बात क्या है मुझे समझा सकते हो उपेन भैया के साथ तुमने झगड़ा किया अंत में सुनती हूं कि सरोजिनी के साथ भी झगड़ा करके तुम चले आए वो तो किसी दिन मिट ही जाएगा मैं जानती हूं लेकिन यह क्या हो रहा है मेरा शरीर छूकर तुम मैं सपत खाई थी शराब न छूओगे शराब तो बाढ़ में जाए गांजा भी पीने लगे हो वो भी लुक छिप कर साधारण रूप से नहीं कितने ही अबागों के झुंड बटोर कर गेरुआ वस्त्र पहनकर तंत्र मंत्र का ढोल पीटकर खुल्लम खुल्ला छाती फुलाकर पीना चल रहा है सावित्री के मुंह से सरोजनी का नाम सुनकर सतीश का शरीर जल उठा वो समझ गया कि बिहारी ने उसे सब कुछ बता दिया है मां मां एक बार उसके होठों पर यह बात आई कि तुम्हारे ही कारण मेरा यह सर्वनाश हुआ है तुम ही मेरे शनिग्रह हो लेकिन उस बात को दबाकर गंभीर स्वर से उसने संक्षेप में कहा छाती फुलाकर शराब गांजा पीने में दोष क्या है दोष क्या है तुम नहीं जानते नहीं अच्छा यदि नहीं जानते तो ये तुम जानते ही हो कि मेरा शरीर छोकर तुमने प्रतिज्ञा की थी कि नहीं पियोगे तुम मेरी कौन हो कि कभी बर बस मुझे शपथ खिला दी थी वो एक बड़ी बाधा हो गई सावित्री ने किसी प्रकार हंसी दबाकर सिर हिलाकर कहा कोई नहीं हूं मैं बिल्कुल ही कोई नहीं सतीश ने भी सिर हिलाकर कहा नहीं फिर शराब का गिलास पिकदानी में उडेल कर इलायची दाने चबाते चबाते क्यों चले आए थे तुम बकने झकने लगोगी इसी डर से सावित्री ने हंसकर कहा फिर भी सावित्री कोई नहीं है अच्छा अब तनिक दूध पीकर सो जाओ वो उठी और दूध की कटोरी हाथ में लेकर सतीश के सामने आ खड़ी हुई सतीश ने आपत्ति नहीं की वो उठ बैठा और सब दूध पीकर सोने लगा सावित्री कटोरी हाथ में लिए जाने लगी तो सतीश ने पुकार कर पूछा तुम्हारी संध्या पूजा हो चुकी सावित्री ने घूम कर कहा हाँ क्या खाया अभी तक खाया नहीं अब जाकर खा लूंगी सोगी कहाँ देखती हूँ फाटक के बाहर कोई जगह है या नहीं न होगी तो पेड़ के नीचे सो रहूंगी फिर हंसकर बोली अच्छा ये बात मुंह से निकालते तुम्हें कष्ट नहीं होता धन्य हो तुम फिर स्नेह से सतीश के माथे पर पड़े हुए बालों को हाथ से हटाते समय ताप अनुभव कर वो चौंक पड़ी बिहारी ने कमरे में घुसते ही पूछा मांझी तुम्हारा बिछौना सावित्री ने पास के कमरे को दिखाकर कहा इसी कमरे में मेरा बिछौना ठीक कर दो बिहारी बाबू का जोर कुछ अधिक जान पड़ता है मैं इसी पास वाली कोठरी में सो जाऊंगी बीच का दरवाजा खुला रहेगा तुम्हें भी आज इसी कमरे में सोना होगा सतीश से उसने कहा अब रात को जागते मत रहो तनिक सोने की कोशिश करो फिर वो धीरे धीरे द्वार बंद करके चली गई थोड़ी देर बाद कुछ खा पी कर सावित्री लौट आई वो पास वाली कोठरी में ही एक चटाई बिछा कर लेट गई और उसकी थकी आंखें देखते देखते गाड़ी नींद से मुंह गई बड़े तड़के ही नींद टूट जाने पर हड़बड़ाकर सावित्री उठी और उस कमरे में जाकर उसने देखा कि सतीश पीड़ा से छटपटा रहा रहा है है माथे पर हाथ रखकर उसने देखा जोर के ताप से जल रहा है। उसके स्वर से सतीश ने आंखें खोल दी उसकी दोनों आंखें अड़हुल के फूल की तरह लाल हो उठी थी ये देखकर सावित्री डर के मारे उसी बिछोने पर झट से बैठ गई पूछने की शक्ति उसमें नहीं रह गई थी सतीश ने उसका हाथ खींचकर अपने जलते हुए माथे पर रखकर कहा मैं कल ही जान गया था कल ही मैंने बिहारी से कहा था यही जोर मेरा अंतिम जोर है इस बार न बचूंगा उसने ये बातें हाफते हाफते इस प्रकार कही कि उसे सांत्वना देने की बात तो दूर रही रुलाई न रोक सकने के कारण सावित्री का ही गला रुंध गया वो सारी रात निश्चिंत तो होकर सोती रही इसी कारण वो पछता रही थी सतीश ने कहा मुझे यही भरोसा है कि तुम मेरे पास हो वो करवट बदल कर लेट रहा लेकिन सावित्री में इतनी भी सामर्थ्य नहीं रही कि बिहारी को डॉक्टर बुलाने के लिए कह दे केवल सतीश की बाह पर हाथ रखकर वो पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी ही रह गई थोड़ी ही देर बाद सतीश ने फिर करवट बदली फिर सावित्री का हाथ खींचकर अपनी छाती पर रख कर बोला मैंने भी तो कुछ डॉक्टरी पढ़ी है मैं जानता हूँ कि उस समय तक मुझे ये ज्ञान न रहेगा लेकिन अभी तक मुझे खूब होश है उपिन भैया से कहना उस दराज में मेरा वसियत नाम आए मैं जानता हूँ वो मेरा मुँह नहीं देखेंगे लेकिन ये भी जानता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद वो मेरी अंतिम इच्छा का अपमान भी न करेंगे सावित्री संसार में तुम्हारे अतिरिक्त तो उनसे बढ़कर मेरा और कोई सोजन नहीं है वो शतनामे का नाम सुनकर सावित्री भूल सी हो गई इतने दिनों के उसके संयम का बांध क्षण भर के आवेश में ही टूट गया सतीश की छाती पर सिर रखकर वो बच्चे की तरह रोने लगी

कितना शीतल कर दिया ये अंतर्यामी से छिपा नहीं रहा लेकिन संसार में उस बूढ़े बिहारी के विस्मय विमुग्ध नेत्रों के अतिरिक्त उसका अन्य कोई साक्षी नहीं रहा सावित्री अपने को संभाल कर उठ बैठी और आंचल से अपने नेत्र पोंछ लिए फिर प्रियतम के मुंह से आंसुओं के चिन्ह यत्नपूर्वक पोंछ डालने के बाद उसने कमरे के सब दरवाजे और खिड़कियां खोल दी खोलते ही सुनहरी किरणों से सारा कमरा भर उठा बिहारी के नेत्रों से उस समय आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदे चल रही थी सावित्री अपने सहज कंठ से बोली डर क्या है बियारी मेरे रहते उन्हें कोई डर नहीं है बाबू अच्छे हो जाएंगे मैं बाबू के कपड़े बदल कर बिछौना बदल दूं तब तक तुम डॉक्टर साहब को बुला लाओ डिस्पेंसरी के डॉक्टर साहब आए सतीश की जांच की फिर मुंह बिगाड़ कर बोले ये तो निमेनिया के लक्षण देख रहा हूं डर नहीं है रोग अभी तक बड़ा नहीं है सांत्वना देखकर डॉक्टर साहब अपने हाथों से दबा तैयार करने के लिए नीचे चले गए सतीश ने तनिक हंसकर सावित्री के मुंह की ओर देखकर कहा मैं तिल भर भी नहीं डरता फिर तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकालकर दिखाकर उसने कहा इसे पहचान सकती हो सावित्री अपनी इच्छा से किसी दिन जिसे तुमने आंचल से बांधा था आज मैं ही तुम्हारे आंचल में बांध देता हूं कर सावित्री के आंसू से भीगी आंचल को खींचकर धीरे धीरे चाबियों का गुच्छा उससे बांध दिया फिर संतोष की सांस लेकर करवट बदलकर वो लेट गया सावित्री पर बिहारी का दृढ़ विश्वास था उससे सांत्वना पाकर पहले वह खुश हो उठा लेकिन वह कोई लड़का तो नहीं था कुछ ही दिनों के बाद सावित्री का मुख देख कर वो मन ही मन डर गया वो साफ देख रहा था कि इस सहनशील रमणी के शांत मुख पर एक पीली छाया धीरे धीरे गाड़ी होती जा रही है आठ दस दिनों के बाद एक दिन शाम के समय सावित्री को एकांत एक में पाकर उसने स्वाभाविक स्वर से पूछा माँ जी इस बूढ़े को बुलावे में डालकर क्या होगा तुम्हारा वो कोमल हृदय जो कुछ सह लेगा उसको क्या इस बूढ़े की हड्डी न सह पाएगी इससे तो यही अच्छा है कि सब बातें मुझसे खोल कर कह दो मैं देखूं यदि कुछ उपाय कर सकूं सावित्री ने स्थिर रहकर कहा तुमको अभी तक मैंने बताया नहीं प्यारी लेकिन तुम्हारे नाम से उपेन्द्र बाबू के पास आज सवेरे मैंने चिट्ठी लिख दी है दो दिन इंतजार करके देखती हूँ यदि वो ना आए तो तुमको स्वयं एक बार उनके पास जाना होगा बिहारी बिहारी ने उवलेपन से कहा मुझसे पूछे बिना यह काम तुमने क्यों किया माँ क्यों बिहारी क्या वो नहीं आएंगे बिहारी ने सिर हिलाकर धीरे से कहा वो आ भी सकते हैं लेकिन एक बार मुझे क्यों नहीं बता दिया माँ क्यों बिहारी बिहारी संकोच से चुप रह गया बात कहना आवश्यक था लेकिन वो अपमानजनक बात उसके मुंह से सहसा बाहर न निकल सकी सावित्री ने कहा इस समय उनका आना बहुत जरूरी है बियारी बियारी ने बड़े कष्ट से संकोच दूर करके कहा ये तो मैं जानता हूँ माँ लेकिन तुम्हारे उनके पास न रहने पर संसार के सब लोग यदि बाबू का बिछौना घेरे रहे तो भी उन्हें बचाया न जा सकेगा इस बात पर तुम विचार क्यों नहीं करती माँ सावित्री ने कहा मैंने सोचा है ब्यारी मैं घर में जहाँ भी हो छिपी रहकर अपना काम करती रहूंगी उपिन बाबू के आये बिना काम न चलेगा इस विपत्ति में भला बुरा भी क्या मैं नहीं समझती नहीं बिहारी उनको आने दो बिहारी ने सिर हिलाते हुए कहा उपेन बाबू की बात तो मैं नहीं जानता लेकिन बाबू की बात जानता हूँ मैं मूर्ख अवश्य हूँ लेकिन इन साठ वर्षों से तो संसार देख रहा हूँ कितने पुरुष तुमसे अधिक भली बुरी बात समझते हैं मां इसे जाने दो तुम्हारे उनके पास से इस बार दूर जाने पर बाबू को अच्छा न कर सकूंगा यह बात मैं तुम्हारे पाँव छूकर शपथ खाकर कह सकता हूँ ऐसा कार्य तुम मत करो तुम मेरे बाबू को छोड़कर और कहीं भाग न जाना ये बात बिहारी की अपेक्षा सावित्री कुछ कम जानती थी ऐसी बात नहीं है लेकिन वो मौन रही उसे अपने पास न पाने पर सतीश की विकलता कितनी बढ़ जाएगी इसे सतीश ही जाने लेकिन इस भयंकर रोग सैया पर पड़े रहने की दशा में सतीश को नेत्रों से ओझल करके सावित्री स्वयं भी कैसे जीवित रह सकेगी उससे और सतीश से उपेन की उसके प्रति घृणा छिपी नहीं थी उनके आने पर स्वयं को छिपा ही रखना होगा इसमें तनिक विसन्देह नहीं है इन सभी बातों पर उसने मन ही मन विचार करके देख लिया था लेकिन जिसके कारण इतने दिन उसने इतना कष्ट सहन किया है उसके कारण ये दुख भी सहेगी ये सोचकर ही उसने सतीश की बीमारी का पूरा विवरण उपेंद्र के पास लिख भेजा था आने के लिए अनुरोध भी किया था सावित्री ने दृढ़ स्वर से कहा नहीं बिहारी ये मैं न होने दूंगी यदि वो परसों तक नहीं आएंगे तो तुमको स्वयं जाकर उन्हें लाना होगा ये बात तुम क्यों कर रही हो माँ मैं हूं नौकर जो आज्ञा दोगी मुझे करना पड़ेगा लेकिन मैं भी तो मनुष्य हूं चोर की भांति तुम्हारा छिपा रहना यदि मैं किसी दिन सह न सकूं तो तुम मुझे गाली मत देना मां ये मैं पहले ही बता देता हूं ये कहकर वो उदास हो चला लेकिन सावित्री की वो चिट्ठी उपेंद्र को मिली ही नहीं पिता और महेश्वरी के बार बार के अनुरोध से वो एक महीने पहले अपनी इच्छा के विरुद्ध हवा पानी बदलने के लिए पूरी जाने के लिए मजबूर हुए थे वहाँ किसी से परिचय न रहने के कारण पहली रात तो उन्हें एक छोटे से होटल में काटनी पड़ी थी इच्छा थी कि दूसरे दिन सवेरे कोई अच्छा स्थान ढूंढ लेंगे लेकिन होटल के मालिक भुवन मुखर्जी ने उनकी बड़ी आवागत की अलग कोठरी में बिछोना ठीक करा दिया और विश्वास दिलाया कि जितने दिन चाहें यहाँ रहने पर भी सेवा में कोई कमी नहीं होगी सवेरे एक प्रौढ़ा स्त्री कमरे में झाड़ू देने आई उपेंद्र का बार बार निरीक्षण करके अंत में उसने झाड़ू एक और फेंक दी और बोली बाबू को क्या कोई बीमारी हुई थी बहुत ही कमजोर दिख रही हूं पहले का वो चेहरा नहीं है शरीर का वो रंग भी नहीं है उपेंद्र ने आश्चर्य से पूछा तुम क्या मुझे पहचानती हो उस स्त्री ने कहा मैं तो मोक्षदा हूं आपको नहीं पहचानती उपेंद्र को याद आया कि वही मक्सदा है जो बहुत दिन पहले सतीश के मकान में नौकरी करती थी उन्होंने कहा तुम यहां नौकरी करती हो मुक्शदा ने लज्जित तो होकर कहा नहीं हां हा, एक तरह की नौकरी ही तो है मुखर्जी ने कहा था अब कलकत्ता में रहने से क्या लाभ चलो किसी तीर्थस्थान में चल कर रहो जो भी हो एक होटल खोलकर उपेंद्र ने बीच में रोक कर कहा होटल अच्छी तरह चल रहा है ना उनकी विरक्ति मोक्दा से छिपी न रही उसने कहा यूं ही चल रहा है बाबू इस उम्र में मुझे नौकरी क्यों करनी पड़ेगी और मुखर्जी का सहारा ही कैसे छोड़ देती सच कहा जाए तो एक तरह से मैंने ही लड़की को पाला पोसा था वो मुझे मौसी कहकर पुकारती थी सच्ची मौसी की तरह मैंने उससे गोद में सदा रखा यह बात कौन नहीं जानता सावित्री ने कहा था मौसी मुझसे यह सब न होगा यही सही मैंने बाबू लोगों के मेम से नौकरी लगा दी वे लोग उससे नौकरानी नहीं समझते थे कर की मालकिन की तरह समझते थे न वो जाति और न मुझे ये सब करना पड़ता लेकिन जो कुछ भी कहो हम लोगों के छोटे बाबू के ही कारण आज मुझे इतना दुख है उपेन्द्र ने उत्सुक होकर पूछा छोटे बाबू कौन सतीश मोक्षदा ने सिर हिलाकर कहा हां छोकरी ने किस दृष्टि से छोटे बाबू को देखा कि उसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया और इतना ही नहीं छोटे बाबू को उसने अपना शरीर छूने भी नहीं दिया बाबू लखपति जमींदार डेरे पर दिन रात दौड़ धूप मचाकर पैरों के तलवे के घिसते रहे सोने चांदी के जड़ाव गहनों के लिए दस हजार रुपए रख देने चाहे लेकिन छोकरी ने उनका मुंह तक नहीं देखा कैसा तेज उस लड़की के चेहरे पर दिखाई पड़ रहा था भैया दस हजार रुपये की माया को फेंक कर घर द्वार आवश्यक सामान वस्त्र तक छोड़कर एक साड़ी पहने चली गई और चेतला के किसी ब्राह्मण के घर छह महीने तक नौकरी करती रही वहां काम करते करते हड्डी पसली तक निकल आई अंत में वो कहां चली गई पता नहीं अब अभागिनी मर गई या जीती है यह कहकर मोक्षदा ने यादों के आंचल से आंखें पोंछ डाली उपेंद्र मौन होकर उसकी ओर निहारते रहे मोक्षदा ने आंखें पोचकर रुआ से शोर में पूछा हाँ बाबू छोटे बाबू अब कहा है एक बार भेंट हो जाती तो मैं उनसे पूछती उसका कोई समाचार जानते हैं या नहीं उपिंद ने मृदु स्वर से कहा सतीश इस समय कहा है, ये मैं भी नहीं जानता। सुना है अपने गांव के मकान पर है, अच्छा, है, है? है बाबू असल कुलिन लड़की है नौ वर्ष की उम्र में विधवा होकर घर में ही रहती थी यही मोह जला तुमसे तो ब्याह करूंगा राजरानी बनाऊंगा कहकर फुसला कर निकाल लाया अंत में हाड़ी की तरह उसे फेंक कर भाग गया मैं ही ऐसी हूं कि इसका मुंह देखती हूँ नहीं तो ब्राह्मण नहीं चमार है चमार के हाथ का पानी हम पी सकते हैं पर उसके हाथ का नहीं उपेंद्र समझ न सके कि वो क्या कह रही है पूछा किसकी बात कह रही हो मोक्षदा मोक्षदा ने उद्दत भाव से कहा मुंह जला भुवन मुखर्जी नहीं तो तीनों लोगों में ऐसा चमार दूसरा कौन है यही उसकी बड़ी बहन का पति है इसी का ऐसा काम उपेंद्र ने अत्यंत आश्चर्य में पड़कर पूछा जिनका ये होटल है वही मक्सिदा ने कहा हाँ बाबू यही दरिद्र बदमाश आदमी इसके बाद अनुपस्थित मुखर्जी को संबोधित कर कहने लगी लेकिन तू उसका क्या कर सका अथा सागर में तूने उसे डुबो दिया उसके अतिरिक्त किसी दिन उसका शरीर क्या तू छू सका लाकर आज नहीं कल करके एक महीना बिताकर जिस दिन तूने कहा कि ब्याह नहीं होगा उसी दिन मुंह पर लात मारकर उसने तुझे दूर किया नादान लड़की थी बुद्धि कम थी फिर भी क्या फिर कभी उसके घर की चौखट तक भी तू लांग सका तो कोई मोक्षदा नहीं थी कि प्रेम की दो चार बातें कहकर बुलावे में डाल देता दस हजार रुपये के जड़ाऊ गहनों को लात मारकर चली गई उपेंद्र बड़ी देर तक मौन रहकर बोले अपनी मुखर्जी को एक बार बुला सकती हो दो बातें उनसे पूछूंगा मोक्षदा ने कहा वो बाजार गया है फिर ठहर कर बोली बीच में एक दिन रास्ते में चक्रवर्ती महाराज से भेंट हो गई वो रोता था और कहता था उस मेरी बेटी को सभी प्यार करते थे जैसा रूप था वैसा ही गुण था वैसी दया माया भी उसमें थी तो उपेन्द्र ने पूछा चक्रवर्ती महाराज कौन है मुक्शदा ने कहा वो बाबू लोगों के डर पर रसोई बनाते थे सभी बातें जानते थे बिहारी के मुंह से सुनकर सब बातें उन्होंने मुझसे कही चेतना के एक ब्राह्मण के घर में काम करते समय बीमार पड़कर उसने छुट्टी मांगी बाबू क्या सभी ब्राह्मण ऐसे निष्ठुर होते उसने कहा तुम्हारी दवा में सात रुपये खर्च हुए तुम देकर जाओ उन रुपयों को चुकाने के लिए सावित्री पैदल ही सतीश बाबू के डेरे पर आई छोटे बाबू का स्वभाव खूब अच्छा था रुपया पैसा मांगने पर वो जितना ही क्यों ना हो वो कभी नहीं तो कहते ही नहीं लेकिन उनका भाग्य ऐसा ही फूटा था कि उसी रात को कोई उनका मुँह जला मित्र अपने परिवार के साथ आ गया दिन भर के बाद स्नान करके मेरी बेटी ज्यों ही घर में आई त्यों ही वे लोग आ पहुंचे इष्ट मित्र आ गए थे तो रात भर रह जाते सो नहीं क्रोध करके अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वापस चले गए छोटे बाबू तो चकित हो गए लेकिन मेरी सावित्री बड़ी अभिमानी लड़की है क्या वो अपमान सा सकती थी पानी तक न पीकर बेटी जो गई तो फिर कोई उसकी खबर नहीं मिली उपेंद्र स्तब्ध होकर बैठे रहे उस रात का निष्ठुर इतिहास नेत्रों के आगे स्पष्ट हो उठा और बार बार यही ध्यान आने लगा मोक्षदा की कही यदि आधी बात भी सच हो तो जिसके नाम से वो घृणा करते आए हैं वो कैसी अद्भुत नारी है आप सुन रहे हैं बुलबुल कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल में अचित घिमिरे की वाचन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की उपन्यास चरित्रहीन चरित्रहीनता अपने काम पर चली गई लेकिन उपेंद्र वहीं चुपचाप गूंगे की तरह बैठे रहे छह महीने पहले वो सब बातें सुनते भी नहीं थे जो झूठ है जो मिथ्या है जरा भी गलत है वो उनके लिए जहर के समान त्याज्य है छोड़ सका निष्कलंक्रता पर छाया पड़ी इस पर विचार कर देखने से ज्ञात होता है की दुर्बलता उसी पत्थर के बीच दबी हुई थी केवल सूरबाला जब उनकी आदिशक्ति हरण करके चली गई तब सुयोग यही सब विशाल झरने की भांति उसकी पत्थर सदृश छाती को भेद कर बाहर निकल आए हैं सुरबाला उनको कितना शक्तिहीन बना गई है यह बात जान लेने पर उपेन्द्र आज उनका ध्यान नहीं था वो केवल शून्य दृष्टि से सामने की ओर निहारते हुए बैठे रहे और किसी अनजान सावित्री के प्रेम का इतिहास उनकी सुरबाला की उन अन्यवचनी या करुण दोनों आंखों के भांति उनकी आंखों पर आंखें रखकर स्थिर हो गया उनको चेत हुआ भुवन मुखर्जी का शोर सुनकर उसने आहट देकर कमरे में घुस कर कहा बाबू आपने क्या मुझे बुलाया था उपेंद्र ने कहा बैठो तुम सावित्री को जानते हो मुखर्जी ने सिर झुकाकर कहा हाँ जानता हूं उसके संबंध में तुम जो कुछ जानते हो मुझे बता सकते हो जी हाँ बता सकता हूं यह कह कहकर उस निर्लज मनुष्य ने अपने गंभीर अपराध का इतिहास एक एक करके बता दिया अंत में बोला मैं भी भले आदमी का लड़का हूं बाबू लेकिन पहले यदि मैं उसे पहचान सकता तो इस राह में कदम रखकर रसोई घर में ब्राह्मण का काम करके दिन बिताने न पड़ते मेरी धारणा है कि शरीर में प्राण रहते कोई भी उसका बिगाड़ न कर सकेगा उपेंद्र ने पूछा उसके प्रति तुम्हारा क्या विचार है मुखर्जी ने कहा वो भ्रष्ट नहीं हुई हुई है मुखर्जी को विदा कर उपेंद्र पहले की तरह बैठे रहे उनका मन लगातार ये कहकर उन्हें कोसने लगा तुमने जो किया उपेन्द्र अच्छा नहीं किया जो नारी इतने बड़े लालस को ठोकर मारकर जा सकती है उसका अपमान करने का तुम्हें अधिकार नहीं था उसी दिन दोपहर बाद उपेंद्र भुवन मुखर्जी के यहाँ से चले गए लेकिन किसी प्रकार भी समुद्र की जलवायु उन्हें खड़ा न कर सकी ज्यो ज्यो दिन बढ़ता जाता था आंख मुंह में जलने होने लगती थी और जोर भी आ गया था प्रतिदिन उन्हें तिल तिल करके परलोकवासिनी पतिहीन सुरबाला के निकट ही ले जाने के लिए बड़ा जा रहा है यही मानो और स्पष्ट अनुभव करने लगे इस प्रकार समुद्र तट के इस निर्जन स्थान में उनकी इस लोक की अवधि जब समाप्त प्रतिदिन समाप्त होने लगी तब एक दिन प्रातः की डाक से बिहारी की चिट्ठी करके पते से पुनः भेजी जाने पर उपेंद्र के हाथ में आ पहुंची जिसकी याद आते ही उनकी छाती में सुई चुप जाने की भांति पीड़ा होने लगती थी उसने उसी चिरकाल के मित्र का अपमान उसके त्याग देने का दुख उनके हृदय में दिन पर दिन कितना बढ़ता जा रहा था इसे केवल अंतर्यामी ही जान रहे थे लेकिन जब उसी मित्र की बीमारी का समाचार मिला तब कई दिनों बाद उपेंद्र के सूखे होठों पर हंसी आ गई वो बेचारा तो जानता नहीं है कि जिसके जीवन के दिन अब गिने जाने की दशा पर पहुंचे हैं उसी के हाथ में एक और मनुष्य की सेवा का भार सौंपना चाहता है फिर भी उपेंद्र उसी दिन अपना सामान बांध कर पूरी से रवाना हो गए अध्याय 41 शशांक ने हाई कोर्ट से वापस लौटकर घर में पांव रखते ही देखा कि सामने के बरामदे में दो आराम कुर्सियों पर शशांक और सरोजिनी आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं शशांक उठ खड़ा हुआ और हंसकर लापरवाही से बोला आज कामकाज कुछ जल्दी पूरा हो गया मैंने सोचा कि यहाँ भी चाय पीकर एक साथ क्लब चले जाएंगे अच्छा अच्छा कहकर ज्योतिष अपनी हंसी को दबाकर घर के अंदर चला गया सरोजिनी भैया के साथ अंदर जाने लगी तो ज्योतिष घूमकर खड़ा हो गया और बनावटी भर्सना के शोर से बोला अतिथि को अकेला छोड़कर जा रही है यह तेरी बुद्धि कैसी हो गई है सरोजिनी सरोजिनी लाल मुंह किए फिर कुर्सी पर बैठ गई बहन की यह लज्जा ज्योतिष की आंखों से छिपी न रही माँ के आदेश से उसे कचहरी से लौट आने पर कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर जलपान करना पड़ता था मां से भेंट होते ही उसने कहा ससांग आए जलपान की चीजें बाहर ही बेच दो ना माँ ने कहा अच्छा सरोजिनी शायद बाहर है ज्योतिष ने सिर हिलाकर बताया फिर कुछ चुप रहकर बोला अच्छा माँ ऐसा आदमी तुम्हारी समझ में कहीं है जिसमें कोई दोष ना हो केवल गुण ही गुण हो बोली क्यों तू मुझसे बार बार यही बात पूछता रहता है ज्योतिष मैं तो अनेक बार कह चुकी हूं अब मुझे कोई आपत्ति नहीं तू अच्छा समझे तो उसके ही हाथ में सरोजिनी को सौंप देना दोष के बिना कोई मनुष्य नहीं है माँ मैंने अनेक प्रकार से विचार करके देख लिया है सरोजिनी दुखी न रहेगी इसके अतिरिक्त वो बड़ी ही भी हो चुकी है उसकी राय के बिना काम करना भी उचित नहीं है ये कहते हुए उसने देखा कि सरोजनी आकर धीरे धीरे भैया की पीठ के पास खड़ी हो गई है मां भंडार करके भीतर से ही बातें कर रही थी इसीलिए कन्या के आने का उन्हें पता न चला ज्योतिष की बात के उत्तर में उन्होंने विरक्त के शोर में कहा बात तो मैंने कभी नहीं कही ज्योतिष कि इस लड़की का ब्याह उसी की राय के बिना ही हो मेरी जो इच्छा थी उसे जब तुम दोनों भाई बहनों ने मिलकर पूरा न होने दिया तभी क्या लड़की के मन का भाव मैंने नहीं समझ गई बेटा मैं सब समझती हूँ समझ ही तो मुंह बंद किए बैठी हूँ अब मुझे झुटमुट का उलाहना देना व्यर्थ है ज्योतिष फिर वो जलपान की चीजें सजाने लगी संकोच से लज्जा से सरोजिनी गढ़ सी गई लेकिन माँ को कुछ भी ज्ञात न हुआ ज्योतिष के उत्तर देने के पूर्व ही वो अपनी बात की पुनरावृत्ति के रूप में फिर से कहने लगी जिसे देने से तुम्हारी बहन सुखी रहे उससे ही दे दो बेटा मेरी राय अब बार बार जानने की जरूरत नहीं है मेरा मत है तुमसे कह देती हूँ बहन के संकोच से ज्योतिष स्वयं बड़ा ही संकोचित हो रहा था फिर जबरन मुस्कुरा बोला लेकिन मत प्रसन्न मन से देना चाहिए माँ जगत तारिणी ने कहा प्रसन्न मन से ही दे रहा हूँ बेटा प्रसन्न मन से ही दे रही हूँ मुझे अब तुम लोग तंग मत करो ज्योतिष ने क्षण भर मौन रहकर सोचा कि बात जब यहाँ तक पहुंच गई है तब माँ की विरक्ति रहती कि आज भी इसका निर्णय कर लेना ठीक है क्योंकि उनके क्लब की लाइब्रेरी में आजकल प्राय ही इस बात की चर्चा हो रही है पर उचित क्या होगा ये बात भी समझ में नहीं आ रही है घर में यह बात प्राय उही उठी जाती है लेकिन इस प्रकार रुक जाती है आगे बढ़ नहीं पाती शशांक को भी इस तरह अनिश्चित अवस्था में बहुत दिनों तक छोक कर रखना नहीं जा सकता इसीलिए ज्योतिष ने निश्चय कर डालने के लिए कहा तो मैंने सोच लिया है माँ कि दो चार इष्ट मित्रों के सामने रविवार को ही यह बात पक्की हो जाए क्या कहती हो मां ने कहा अच्छा तो है सरोजिनी धीरे धीरे अपने कमरे में चली गई रविवार को सवेरे से ही ज्योतिष का बैठक खाना इष्ट मित्रों से बढ़ता जा रहा था विवाह संबंधी बात पक्की हो जाने पर वहीं दोपहर के भोजन का भी आयोजन किया गया था आज शशांक की वेशभूषा में ही केवल विशेष सजावट नहीं दिखाई पड़ रही थी बल्कि उसके अंग अंग से ऐसी कुछ स्त्री फूट उठी थी जिससे वो अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा था कई स्त्रियां भी उपस्थित थीं, लेकिन उपस्थित नहीं थी केवल सरोजिनी बेरे से बुलवाने के बाद ज्योति स्वयं जाकर उसके कमरे का दरवाजा खटखटा आया था किसी दूसरे दिन उसके इस व्यवहार की गणना अपराध में की जा सकती थी लेकिन आज उसे क्षमा पाने का अधिकार है जानकर भी अतिथिगण केवल स्नेहपूर्ण कौतुक से ज्योतिष को डांट रहे थे उसके बाद अनेक बुलाहट पुकार होने पर लगभग दस बजे जब सरोजनी उपस्थित हुई तब उसका मुख देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए उसका मुंह पीला पड़ गया था नेत्रों के नीचे स्याही छा गई थी मानो सारी रात वो एक क्षण भी नहीं सुई ज्योतिष मौन होकर केवल बहन के मुख की ओर निहारता हुआ बैठा रहा बहन की आकृति देखकर वो मानो हत बुद्धि हो गया लेकिन इसकी अपेक्षा भी सौ गुना बड़ा विस्मय क्षण भर बाद ही उसके भाग्य में बदा था इससे वो जानता नहीं था वो विस्मय मानो उपेंद्र की छाया लेकर घर के अंदर आ गया ज्योतिष ने चौंक कर कहा उपेंद्र हो क्या सरोजिनी ने कहा उपेंद्र बाबू वस्तुतः तो तो दिन का समय न रहता तो शायद ये लोग पहचान नहीं सकते थे सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता सोचा ही नहीं जाता कि किसी मनुष्य का चेहरा इतना बदल सकता है उपेंद्र एक कुर्सी पर बैठकर बोले शरीर अच्छा नहीं है पूरी से आ रहा हूं आज यहाँ क्या है सरोजिनी ने आकर उपेंद्र का हाथ अपने हाथ में लेकर उनके मुंह की ओर देखकर कहा क्या कोई बीमारी हो गई है उपेंद्र बाबू कहते कहते उसकी दोनों आंखें आंसुओं से भीग गई उपेंद्र ने अपने मुरझाए हुए होठों पर हंसी लाकर कहा बीमारी तो कोई नहीं है बहन उपेंद्र ने आज ये पहली बार सरोजिनी को बहन कर कहकर संबोधित किया सरोजिनी ने झटपट आंखों के आंसू पहुंचकर कहा चलिए उस कमरे में चलकर बैठें। फिर उनका हाथ पकड़कर उस कमरे से वो धीरे धीरे बाहर चली गई और उसके साथ ही इस कमरे का आनंदोत्सव मानो बुझ सा गया ज्योतिष ने आकर सरोजिनी से कहा उपेंद्र थोड़ी देर तक विश्राम करें तुम एक बार उस कमरे में तो चलो सरोजिनी ने सिर हिलाकर उसी क्षण कहा नहीं आज रहने दो उपेंद्र का आना सुनकर जगत तारिणी भी कमरे में आ गई उन्होंने कहा कैसे इतना दुबला हो गया लेकिन और कहीं तुम्हारा रहना न होगा उपेन्द्र मेरे ही यहाँ रहकर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा नहीं तो ये बीमारी अच्छी न होगी सरोजिनी ने जोर देकर कहा हां उपेन्द्र भैया तुम्हें हम लोगों के यहाँ ही रहना होगा उसने भी आज पहले पहल उपेंद्र को भैया कहकर पुकारा उपेंद्र इलाज कराने के लिए पूरी से चले आए हैं ये बात पूछे बिना ही सब लोग समझ गए थे उपेंद्र ने हंसकर कहा वापस लौट हो सका तो आप लोगों के ही यहाँ रहूंगा लेकिन आज मुझे एक घंटे के भीतर ही जाना होगा जगत तारिणी ने आश्चर्य से कहा आज ही क्यों उपेन उपेन ने सतीश की बीमारी का उल्लेख करके उसके बारे में जो कुछ जानता था सुनाकर जेब से बिहारी की चिट्ठी निकालकर सरोजिनी के हाथ में देकर कहा साढ़े ग्यारह बजे ट्रेन है जो कुछ भी हो थोड़ा सा खा पी कर मुझे जाना पड़ेगा यदि लौट कर आ सका तो आप लोगों के ही घर में रहूंगा जगत तारिणी का मातृहृदय पिघल उठा उनके नेत्रों में फिर आंसू दिखाई पड़े सतीश को वह मन ही मन स्नेह करती थी वो सतीश आज बीमार पड़ा है लेकिन उपेंद्र ये शरीर लेकर उनकी सेवा करने चला आए सुनकर उनकी छाती फटने लगी वो आंखें पूछते पहुंचते उपेंद्र के खाने की व्यवस्था करने के लिए कमरे से बाहर चली गई सरोजिनी ने चिट्ठी को आदि से अंत तक दो बार पढ़ डाला फिर उसे लौटा कर वो कुछ क्षण तक स्तब्ध बैठी रही उसके बाद बोली तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी उपेन्द्र भैया उपेंद्र ने कहा ब्य स्टेशन तक जाकर क्या करोगी बहन सरोजिनी ने कहा स्टेशन नहीं सतीश बाबू के घर मुझे तुम अपने साथ ले चलो उपेंद्र ने कहा पागल हो गई हो क्या तुम वहां कैसे जाओगी तुम्हारे साथ उपेंद्र ने कहा अच्छी यह कैसे हो सकता है ये लोग तुमको क्या जाने देंगे और तुम भी वहां क्यों जाओगी नहीं मैं जाऊंगी अवश्य दृढ़ता से कहकर वो चली गई ऑफिस के कमरे में कोस पर बैठा ज्योतिषकांत में शशांक से बातचीत कर रहा था शायद इसी विषय पर बातचीत हो रही थी सरोजिनी ने धीरे धीरे जाकर भैया के कंधे पर हाथ रखा ज्योतिष चौंक उठे मुंह फेर कर बोले क्या है रे सरोजिनी सरोजिनी ने भैया के कानों के पास मुंह ले जाकर धीरे से कहा सतीश बाबू बहुत बीमार है ज्योतिष ने दुखी होकर कहा यही तो मैंने भी सुना है उपेन्द ग्यारह बजे की गाड़ी से जा रहा है क्या सरोजिनी ने कहा हां मैं भी उनके साथ जाऊंगी ज्योतिष ने चौंक कर कहा तुम जाओगी कहा जाओगी सरोजिनी ने कहा वहीं ज्योतिष उसकी ओर घूम कर बैठ गया बोला वहां कहा सतीश के घर पर क्या सरोजिनी ने कहा हां शशांक दोनों आंखें फाड़कर निहारता रह गया ज्योतिष ने उत्तेजित स्वर से कहा तू पागल हो गई क्या रे तू क्यों जाएगी सरोजिनी ने शांत किंतु दृढ़ स्वर से कहा मैं न जाऊंगी तो कौन जाएगा नहीं भैया वो बहुत बीमार है मुझे जाना ही होगा वो और कुछ बोल न सकी रुलाई से गला रोज जाने के कारण वो भैया के कंधे पर मुंह छिपाकर कर शीस कर रोने लगी ज्योतिष के नेत्रों पर से बहुत दिनों का एक काला पर्दा प्रचंड आदि के आ जाने से पल भर में फटकर उड़ गया कुछ क्षण वो मौन बैठा रहा फिर बहन के माथे पर हाथ रखकर धीरे धीरे सहलाते हुए बोला अच्छा जा साथ में दासी और दरबान जाए वो किस दशा में रहता है पहुंचकर तुरंत ही तार भेज देना कल परसों तक मैं भी डॉक्टर को साथ लेकर आ जाऊंगा कहकर उसने ही उसके सामने खींच लाने की कोशिश की, त्यों सरोजिनी दोनों हाथों से मुंह ढककर कमरे से दौड़ती हुई भाग गई शशांक ने मूड की बातें निहारते रहने के बाद वही प्रश्न किया सतीश बाबू बीमार हैं तो वो क्यों जाएगी ज्योतिष बाबू ये सब क्या है बताइए तो ज्योतिष के कानों में ये प्रश्न पहुंचा या नहीं बताना कठिन है वह आवेश में कहते कहते बाहर चला गया उसके लिए ये इतनी व्याकुल हो उठेगी ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था वो कहती है एक तरह करती है कुछ दूसरी तरह स्टेशन से उतरकर उपेंद्र ने जिस भद्र युवक से सतीश के गांव का रास्ता पूछा भाग्य से वो उसी के डिस्पेंसरी का कंपाउंडर था उसके किसी काम से स्टेशन आया था अपने बाबू के ही मकान पर ये लोग जाने वाले हैं सुनकर वो दौड़ धूप करके केवल एक पाल की सरोजिनी के लिए ठीक कर सका और उपेंद्र से बोला वो महेश दिखाई पड़ रहा है चलिए ना बातचीत करते करते पैदल ही चले जाने में आधा घंटा भी न लगेगा नहीं तो बैलगाड़ी से जाने में बहुत देर लगेगी उपेन्द्र की अवस्था पैदल चलने की नहीं थी लेकिन बैलगाड़ी के डर से उन्होंने पैदल चलना ही स्वीकार कर लिया सुरोजनी को पालकी में बैठाकर और दरबान तथा दासी को उसके साथ करके उपेंद्र भी रवाना हो गए कंपाउंडर की अवस्था सत्रह अठारह वर्ष से अधिक नहीं थी खूब चतुर और फुर्तीला था नाम एक कौड़ी था उसे आशा थी अपने पास किए डॉक्टर साहब के साथ और एक साल तक रहने से वो भी अलग प्रैक्टिस कर सकेगा उसके मत से डॉक्टरी कोई विद्या नहीं है केवल हाथ में थोड़ा सा यश रहना चाहिए नहीं तो जिसे बचना है वो बचता है जिसको मरना है वो किसी प्रकार भी नहीं बचता भूपेंद्र ने उससे कहा कि इस विषय में उसके साथ उसका कोई मतभेद नहीं है इसके बाद उन्होंने पूछा तुम्हारे बाबू अब कैसे हैं बाबू आज बाईस दिन हो गए वो अच्छे तो हो गए हैं माँ से सभी दवाइयाँ मैंने ही दिए कहते हुए उसने कई बार अपनी छाती आ पीट होगी भूपेंद्र ने बहुत कुछ निश्चिंत होकर पूछा बीमारी क्या बहुत बढ़ गई थी एक कौड़ी बाबू एक कौड़ी ने कहा बहुत वो तो मर ही गए थे माँ जी आ नहीं जाती तो वो शिव जी के लिए भी असाध्य रोग था होगा नहीं महाशय जी दिन रात थाको बाबा के साथ रहकर शराब और गांजा काली जी को सिद्ध कर रहे थे ना इन सब बातों पर क्या हम डॉक्टर लोग विश्वास करते हैं महाशय हम लोग हैं साइंटिफिक मैन लेकिन माँ ने आते ही थाको बाबा की बाबागिरी खत्म कर दी खींचकर उनका त्रिशूल फेंक दिया उस कमबख्त ने कई दिनों तक क्या कम उपद्रव किया विश्वास कीजिए सबको बाबू मारने खदेड़ने दौड़ता था एक दिन साधारण सी बात पर मेरे ऊपर ऐसा दांत कटकटा दिया मां से लेकिन मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं किसी से मैं झगड़ा भी बात करना नहीं चाहता नहीं तो दूसरा कोई होता तो उस बदमाश का सिर काट लेता उपेन्द्र ने आश्चर्य में पड़ कहा माँ जी कौन है एक कौड़ी ने कहा ये मैं नहीं जानता मां से सभी लोग कहते हैं माँ जी मैं भी कहता हूं माँ जी उपेंद्र ने कहा उनको तुमने देखा है एक कौड़ी ने कहा हाँ मैं एक प्रकार से देखता ही तो हूं उपेंद्र ने पूछा उनकी उम्र क्या होगी बता सकते हो एक कौड़ी ने सोच कर कहा शायद चालीस पचास की होंगी नहीं तो दूसरा कोई क्या बाबू को नियंत्रण में रख सकता था मां से डॉक्टर साहब तो कहते हैं कि वो ना आती तो सब समाप्त हो चुका था एक कौड़ी के साथ उपेंद्र जब सतीश के घर पहुंचे तब दिन डूब ही रहा था सरुजिनी पहले ही पहुंच गई थी फाटक के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे उनकी पालकी की रखवा कर दरबार प्रतीक्षा कर रहा था सामने ही चिकित्सालय था वहां लोगों की बहुत भीड़ हो गई थी एक कौड़ी सबको साथ लिए नीचे के बैठक खाने में बैठा कर बिहारी को बुलाने गया लेकिन उससे भेंट नहीं हुई डॉक्टर साहब की बाहर रोगी देखने के लिए गए हुए थे सभी लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे उपेंद्र को इन माजी के विषय में अत्यंत संदेह था इसीलिए सरोजिनी को वहीं रुकने के लिए कहकर वो सीधे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए सतीश बिछोने पर सो रहा था उसके सिरहाने बैठकर सावित्री ध्यान से कागज देख रही थी उस ओर से खुली खिड़की से सूर्यास्त की लाल आवा बिखर रही थी ऐसे ही समय में दरवाजे का भारी पर्दा हटाने की आवाज सुनकर सावित्री ने मुंह ऊपर उठाकर देखा एक अपरिचित भले आदमी आ गए हैं घबराहट के साथ माथे का घूंघट ऊपर खींचकर उठकर खड़ी होने की कोशिश करते ही आगंतुक ने निकट आकर कहा आप उठिए मत मैं हूं उपेन आप सावित्री है ना सावित्री ने सिर हिलाकर बताया हाँ, लेकिन डर से लज्जा से संकोच से वो मानो उड़ सी गई उपेंद्र ने पूछा सतीश सो रहा है अब कैसा है सावित्री ने पहले की तरह ही सिर हिलाकर बताया अच्छा है उपेंद्र तब धीरे धीरे आकर पलंग के कोने पर बैठ गए अपना कर्तव्य उन्होंने पहले ही निश्चित कर लिया था बोले मुझे वो चिट्ठी आपने ही लिखी थी ये मैं अब समझ गया हूं मुझे आने के लिए लिख कर अपने सुख दुख अपने भले बुरे ने बुरे को आपने कितना कम करके आंका था आप ये मत समझिए कि इन बातों को मैं समझता नहीं हूं सावित्री को ऐसा जान पड़ा मानो वो स्वप्न देख रही है यह मानो कोई दूसरा ही व्यक्ति है सतीश का वो उपेन भैया ही नहीं है उपेंद्र ने थोड़ी देर तक मौन रह कर कहा तुमसे मैं उम्र में हूं तुमको मैं सावित्री कहकर पुकारूंगा तुम मुझे भैया कहकर पुकारना आज से तुम मेरी छोटी बहन हो सावित्री ने चुपचाप उठकर उपेंद्र के पांव के पास झुककर कर प्रणाम किया और दोनों हाथ बढ़ाकर उपेंद्र के जूते का फीता खोलते खोलते सिर झुकाए हुए पूछा आने में इतनी देर क्यों हुई चिट्ठी क्या ठीक समय पर नहीं मिली उपेंद्र ने सावित्री के काम में रुकावट नहीं डाले सहज भाव से बोले नहीं बहन मिली नहीं परसों पूरी में तुम्हारी चिट्ठी पाकर चला आ रहा हूं लेकिन तुमको एक बहुत ही कठिन काम करना है बहन यहीं पर उपेंद्र के मुंह की बात रुक गई सावित्री ने जूते खोलकर एक और रख दिए मोजा खोलते खोलते उसने पूछा कौन सा काम है भैया फिर भी उपेंद्र चुप ही रहे इसके बाद मानो जोर लगाकर भीतर का संकोच दूर करके बोले लेकिन तुम्हारे अतिरिक्त और किसी में यह काम करने की शक्ति नहीं है इस काम को एक और कर सकती है वो थी सुरबाला सावित्री चुपचाप प्रतीक्षा कर रही है देखकर उपेंद्र ने कहा सरोजनी का नाम सुनाए सावित्री ने सिर हिलाकर कहा सुनाए शायद सब कुछ सुन चुकी हो सावित्री ने उसी प्रकार सिर हिलाकर बताया कि उसे सब कुछ मालूम है तब उपेंद्र ने धीरे धीरे कहा सतीश की बीमारी की बात सुनकर उसे किसी प्रकार भी रोका नहीं जा सका मेरे साथ वो भी चली आई है नीचे के कमरे में बैठी हुई है उसका कोई उपाय करो बहन सावित्री जल्दी उठ खड़ी हुई वो आई है मैं अभी जाकर लेकिन मैं क्या उसके पास जा सकती हूं भैया इस संकेत को उपेंद्र समझ गए दोनों आंखें फैलाकर मुक्त कंठ से बोल उठे तुम जा नहीं सकती मेरी छोटी बहन क्या संसार में किसी भी स्त्री से छोटी है कि कहीं भी उससे सिर ऊंचा करके खड़ी रहने में संकोच होगा मेरी बहन होना क्या संसार में साधारण परिचय है बहन सावित्री और न रुकी पल भर में उसका शीर्ष उपेंद्र के दोनों पांव पर गिर पड़ा बार बार उन दुबले पतले दोनों पांवों की धूल सिर पर चढ़ाकर जब वो उठ खड़ी हुई तब उसके मुंह पर आवरण नहीं था दोनों आंखों से आंसू जर रहे थे आंसू से भिगे हुए उस मुख पर नारी चरित्र की बृहत महिमा उपेंद्र बांधे निहारने लगा आंखें जब सावित्री कमरे से बाहर आई तब उपेंद्र ने पीछे से कहा जिसको बहन कहकर अपना परिचय दोगी उससे कहना कि हम दोनों भाई बहन ने आज तक कभी संसार में छोटा काम नहीं किया है सावित्री के चले जाने पर उन्होंने सोए हुए सतीश की ओर देख पुकारा सत्तू और सतीश सतीश की नींद टूट गई हटबड़ा कर वो उठ बैठा आंखें मलकर निहारिया तेरा उपेन हूँ। मुझे तो पहचान नहीं रहा है उपेन भैया सतीश बिहोल नेत्रों से निहारता रहा क्यों रे अभी तक तू मुझे पहचान न सका सतीश ने मानो नीत के नशे में बात कही मानो अभी तक उसका नशा टूटा नहीं था इस प्रकार के रुख से बोला पहचान गया तुम आ गए उपेन भैया भाई मैं आ गया हूँ तो अपने पाव को एक बार ऊपर उठाओ न उपेन भैया बहुत दिनों से तुम्हारे पांव की धूल सिर पर नहीं चढ़ा सका मीर उपेन ने दोनों हाथ बढ़ाकर अपने मित्र को छाती से लगा लिया कुछ देर तक अचेतन मूर्ति की बाती दोनों एक दूसरे की छाती से लगे रहे फिर उपेन्द्र ने धीरे धीरे कहा अब और देरी मत कर सतीश जरा जल्द रोग मुक्त हो जा भाई मेरे बहुत से काम तेरे लिए पड़े हुए हैं कौन से काम उपेन्द्र भैया कहकर सतीश ने किसी के पाव की आहट सुनकर पीछे की ओर देखा तो स्तंभित हो गया सावित्री का हाथ पकड़े सरोजिनी चली आ रही थी वो एक बार उपेंद्र की ओर देखकर फिर अच्छी तरह आंखें मलकर इन दोनों रमणियों के मुंह को चुपचाप निहारता रहा वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा है यह बात उपेंद्र और सावित्री दोनों ही समझ गए सरोजनी क्षण भर सतीश के कंकाल जैसे पीले मुख की ओर देखकर जल्दी से आगे बढ़कर उसके पाव के पास बिछौने पर औंधी पड़कर अपनी रुलाई रोकने लगी किसी ने कोई बात नहीं कही लेकिन इस रुलाई के भीतर बड़ी क्षमा वेदना और क्षमा याचना थी जिसे समझना किसी के लिए मुश्किल नहीं था सतीश चुपचाप मूर्ति की भांति बैठा रहा उसके हृदय का एक अंश अव्यक्त आनंद के बाढ़ से जिस तरह तरंगित तो होने लगा दूसरा अंश उसी प्रकार कठिन समस्या के घात प्रतिघात से भीत और क्षुब्ध हो उठा बहुत देर तक किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली संध्या के अंधकारपूर्ण शांत कमरे में केवल सरोजनी की रुलाई का वेग उसके प्राणपंड के दबा रखने के कारण रह रहकर और भी उच्छ्वासित होने लगा उस शांति भंग हुई उपेंद्र के शोर से उन्होंने सरोजनी के माथे पर धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ फेर कर कहा अपराध चाहे जिससे भी क्यों न हुआ हो सतीश मेरी इस बहन को तू आज क्षमा कर दे उसके मन में कई दिनों से संचित दुखों ने आज तेरी सेवा के लिए ही मेरे साथ उसे भेज दिया है लेकिन सावित्री बहन इस प्रकार मुंह उदास बनाए खड़ी रहने से तो काम न चलेगा तुम्हारे इस भाई के अनेक बोझों को आज से तुमको ही सहन करना पड़ेगा बहन आओ मेरे पास आकर बैठो सावित्री का नाम सुनकर सरोजिनी लज्जा पीड़ा वेदना सब कुछ भूल कर मुंह ऊपर उठाकर खड़ी हो गई इतनी देर तक वो उसे उपेंद्र की कोई आत्मीय ही समझ रही थी सावित्री चुपचाप आकर उपेंद्र के निकट भूमि पर बैठ गई उपेंद्र ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा बहन कि तुमसे क्षमा मांग कर मैं तुम्हारी अमर्यादा करूंगा लेकिन सतीश तुम मुझे क्षमा कर दे तेरा जितना अपमान जितना अनिष्ट मैंने किया है सब भूल जाबाई सतीश क्या कहता वो टकटकी लगाए निहारता रहा

उसने जान भी लेनी चाहिए लेकिन न तो उसे प्रश्न ही याद आया और न उसके मुंह से बात ही निकली वो जैसे निहार रहा था वैसे ही निहारता रहा दूसरे ही क्षण सरोजिनी के मुंह की ओर देखकर उपेंद्र ने सतीश से कहा तुम अच्छे हो जाओ आशीर्वाद देता हूं तुम सुखी रहो मैं अपनी इस बहन को लेकर चला जाऊंगा यह कहकर उपेंद्र ने धीरे धीरे सावित्री के सिर पर अंगुली से थपथपा कर कहा तुम्हारे अतिरिक्त मेरा बाहर लेने वाला कोई नहीं है बहन और जैसी बीमारी है और किसी को अपने पास बुलाने का साहस भी नहीं होता होना उचित भी नहीं केवल तुम्हारी तरह जीवित रहना दूसरों की भलाई के लिए ही है अपनी बहन को ही अपने को सौंप सकता हूँ चलोगी बहन मेरे साथ सतीश को छोड़ जाने में कष्ट होगा होने दो उसकी अपेक्षा भी कितना अधिक दुख कष्ट भगवान मनुष्य से साते हैं तब उसे सही मनुष्य बना देते हैं सतीश के मन में इतनी देर का वही भूला हुआ प्रश्न मानो बिजली की भांति नाच उठा वो सहसा बोल पड़ा उपेन भैया हमारी भाभी कैसी है उनकी बीमारी सुनकर ही मैं चला आया था उपेंद्र ने एक क्षण के लिए दांतों से होठों को जोर से दबाया उसके बाद अपने अभ्यास के अनुसार ऊपर की ओर बोले पशु अब नहीं है चली गई सरोजिनी चिल्ला उठी सुरबाला भी नहीं है नहीं सतीश मोटे तकिए पर कुने टेककर मूर्छा से आहत हुए की भांति शून्य दृष्टि से बैठे देखता रहा सुरबाला नहीं है वो चली गई यह बात उपेंद्र के मुंह से सहज ही में निकल पड़ी लेकिन यह नहीं रहना कैसा है ये जाना कैसा जाना है सतीश से अधिक कौन जानता है सरोजिनी की अपेक्षा किसने अधिक देखा है सावित्री की अपेक्षा किसने अधिक सुना है फिर भी सुरबाला नहीं है वो मर गई है सतीश के मुंह की ओर देखकर कर उपेन्द्र ने हंसकर कहा भगवान ने ले लिया उसकी फिर नालिश क्या लेकिन इस समय यदि दिवाकर पास रहता माँ बाप नहीं है बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा किया वो भी जाने कहाँ चला गया मालूम नहीं मरने से पूर्व एक बार उसे देख पाऊंगा या नहीं सतीश ने उसी भांति पूछा दिबा का क्या हुआ उपेन भैया उपेन ने कहा क्या जाने उसका क्या हुआ कलकत्ता में हारान बाबू के घर में रहकर पढ़ने की व्यवस्था कर दी थी यह अत्यंत लज्जा की बात किसी से कहीं भी नहीं जाती कहने की इच्छा भी नहीं होती घर के लोग आज तक जानते हैं कि वह कलकत्ता में पढ़ रहा है सुरबाला उससे बहुत स्नेह करती थी उस बेचारी ने मरने के पूर्व उसे देखना चाहा था लेकिन उसकी यह साथ भी मैं पूरी न कर सका अरन बाबू की पत्नी के साथ वो कहाँ चला गया इसका कुछ पता नहीं तीनों श्रोता एक ही साथ अव्यक्त कंठ से क्या कहकर चिल्ला उठे स्पष्ट रूप से कुछ भी समझ में नहीं आया इसके बाद सभी चुप हो गए सारा कमरा एक शून्य स्मशान की शांत हो गया कोई भी उपेंद्र के मुंह की ओर निहार भी न सका लेकिन सभी को यह ज्ञात होने लगा कि उन लोगों का इतने दिनों का दुख कष्ट मान अभिमान मानव इस आकाश भेदी वेदना के सामने अत्यंत तुच्छ हो गया है सावित्री सतीश से सभी बातें सुन चुकी थी सभी बातें वो जानती थी वो सोचने लगी इस विफुल शून्यता को इस मनुष्य ने किस वस्तु से भर रखा है इस व्यथा को किस तरह अपने प्रतिदिन की जीवन यात्रा में ढोता फिरता है जे के भीतर इतना हाहाकार पर बाहर से कोई शिकायत नहीं किसने इनका दुख इतना सहज और सहनीय बना दिया है उसने पांव पर धीरे धीरे हाथ फेरते फेरते कहा भैया इन सब बीमारियों में तुम्हारे लिए पहाड़ की हवा खूब अच्छी होगी ठीक है ना उपेंद्र ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा हां बहन यही बात तो डॉक्टर भी कहते हैं लेकिन भगवान जिसको बुलाते हैं उसको कुछ भी फायदा नहीं करता जाना ही पड़ता है सावित्री ने कहा कुछ भी हो भैया लेकिन हम लोग पहाड़ पर ही चलेंगे उपेंद्र तो ने हंस कर कहा अच्छा ऐसे ही करना महामाया माया की पूजा निकट आ गई और सतीश के स्वस्थ होने के पूर्व ही बंगालियों के सर्वश्रेष्ठ आनंदोत्सव के दिन सुख स्वप्न की भांति बीत गए और भी कुछ दिन यहाँ रहने की बात थी लेकिन उपेंद्र का स्वस्थ देखकर सावित्री ने त्रयोदशी के दिन यात्रा करना निश्चित कर लिया उपेंद्र की आपत्ति के विरुद्ध उसने हट करके कहा यह नहीं होगा भैया सतीश बाबू की बीमारी अब नहीं है उनका शरीर सबल हो जाने तक प्रतीक्षा करने से तुमको मैं ढूंढ नहीं पाऊंगी परसों हम लोगों को यहाँ से जाना होगा तुम मना मत करना भैया उपेंद्र ने मुस्कुरा कर कहा अच्छा देखा जाएगा लेकिन ऐसा होने से क्या तुम मुझे ढूंढ लोगी बहन सावित्री तर्क न करके चली गई उपेंद्र के दिन यहाँ शांति से बीत रहे थे अतः जाने की कोई जल्दी नहीं थी यात्रा का दिन इतना निकट है इस पर भी संभव तो उन्होंने विश्वास नहीं किया लेकिन सतीश का मुंह सुख हो गया वो भली प्रकार जानता था कि उपेंद्र के जाने में कोई रुकावट नहीं है जो कोई उसके संपर्क में है उसी को अब तक दब कर रहना पड़ता है इसीलिए त्रयोदशी किसी प्रकार भी न टलेगी इसमें उसके मन में तनिक भी संदेह नहीं रहा लेकिन बिहारी ने जब सजल नेत्रों से पूछा अब कितने दिनों में दर्शन दोगी मां तब भी सतीश चुप रहा सावित्री ने सतीश के मुंह की ओर कनखियों से देखकर गंभीरता से कहा तुम्हारे बाबू का जिस दिन विवाह होगा बिहारी उसी दिन फिर भेंट होगी अगर तुम्हारे बाबू यदि कृपा करके बुलाएंगे तब लगभग दस दिन पूर्व सरोजनी को ले जाने के लिए जब ज्योतिष स्वयं आए थे तभी उपेंद्र की मध्यस्थता में विवाह की बात पक्की हो गई थी सतीश ने कोई आपत्ति नहीं की थी स्थिर हो गया था कि उसका समय सोच बीते जाने पर विवाह हो जाएगा सावित्री ने उसी बात की ओर संकेत किया और सतीश ने मौन रा कर सुन लिया जाने के दिन उपेंद्र ने चिंता में पूछा तेरी तबीयत क्या अच्छी नहीं है सतीश कल से क्यों तो बहुत ही उदास दिखाई पड़ रहा है सतीश ने कहा नहीं खूब अच्छी तरह तो हूँ उपेंद्र के चले जाने पर सावित्री कमरे में आई उसकी दोनों आंखें लाल थीं पलखें भीग भारी हो गई थी उसकी ओर देखने से ही ज्ञात हो गया सिर की शपथ की बात बार बार याद दिलाकर उसने कहा बात रखोगे सतीश ने कहा रखूंगा शराब गांजा हाथ से भी न छुओगे नहीं मुझसे पूछे बिना तंत्र मंत्र की ओर भी नहीं जाओगे नहीं जितने दिनों में शरीर एकदम ठीक न हो जाएगा तब तक दो दिन के अंतर में चिट्ठी लिखते रहोगे लिखूंगा उसमें कोई बात नहीं छिपाओगे नहीं तो अब मैं जा रही हूं कहकर सावित्री जल्दी से नमस्कार करके बाहर चली गई सतीश बिछनी पर बैठा हुआ था लेट गया विदा करने के लिए नीचे उतरने की कोशिश नहीं की बाहर दो पालकियां तैयार थी पास खड़े रहकर उपेंद्र डॉक्टर साहब के साथ धीरे धीरे बातचीत कर रहे थे मोटी चादर से सारा शरीर ढककर सावित्री धीरे धीरे ही दूसरी पालकी में जाने लगी बिहारी ने दौड़ते हुए आकर चुपके से कहा एक बार लौट चलो मां बाबू विशेष काम से बुला रहे हैं सावित्री लौट आई उपेंद्र ने बातें करते करते उस पर ध्यान दिया सावित्री को ठीक इसी बात का डर था कमरे में प्रवेश करके उसने देखा सतीश दूसरी और मोह किए लेटा है बिछौने के निकट जाकर हंसकर कहा बात क्या है हम लोगों की ट्रेन छुड़वा दोगे क्या सतीश ने मुंह फेर कर सावित्री की चादर को जोर से पकड़कर कहा बैठो तुम्हें नहीं जाने दूंगा ये मेरा गांव है मेरा मकान है मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम्हें जबरदस्ती कोई ले जा सके ये सामर्थ्य दस उपेंद्रों में भी नहीं है सावित्री मौन हो गई उसने देखा सतीश की आंखों में एक ऐसी तेज हिंसा है जो किसी प्रकार भी स्वाभाविक नहीं कह जा सकती सावित्री समझ गई जबरदस्ती करने से काम न चलेगा बिछौने के एक छोर पर बैठकर बर्सना के शोर में उसने कहा छी ये कैसी बात तुम कह रहे हो वो तो मुझे जबरदस्ती नहीं ले जा रहे हैं उनकी पत्नी नहीं है भाई नहीं है तुम नहीं हो इतना बड़ी बीमारी में सेवा करने वाला कोई नहीं है इसीलिए तो तुमसे मांग कर मुझे ले जा रहे हैं इसे क्या जबरन ले जाना कहते हैं सतीश ने जोर से सिर हिलाकर कहा ये झूठी बातें है बहलाना है वो अपने मित्र ज्योतिष बाबू का मुंह देखकर ही केवल तुमको मेरे पास से हटा लेना चाहते हैं इधर दो दिनों से दिन रात अच्छी तरह सोच विचार कर मैंने देख लिया है जो मौन रहकर कर सहता रहता है सभी उसके ऊपर अत्याचार करते हैं चाहे कोई कारण क्यों ना हो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा कुछ भी हो इस मामले तर्क वितर्क करके मैं सिर खपाना नहीं चाहता बिहारी से कहलवा दो कि तुम्हारा जाना न होगा बिहारी सावित्री ने अपने हाथ से उसका मुंह दबाकर कहा तुम क्या पागल हो गए हो अच्छा मान लेती हूँ कि उनका अभिप्राय अच्छा नहीं है लेकिन तुम ही मुझे लेकर आज करो क्या करोगे बताओ तो भला सतीश ने क्षण भर मौन रहकर कहा यदि मैं कहूँ कि तुमसे ब्याह करूंगा सावित्री ने कहा यदि मैं कहूँ कि इसमें मेरी राय नहीं है सतीश ने कहा तुम्हारी राय बाय से कुछ नहीं होता सावित्री ने भयभीत होकर कहा क्या तुम जबरन मुझसे ब्याह करोगे फिर भी गंभीर होकर सतीश माथे पर से रूखे बालों के स्नेह से धीरे धीरे हटाती हुई बोली छी ऐसी बात कभी मन में मत लाना मैं हूं विधवा मैं हूँ कुल त्यागिनी मैं हूं समाज में लांछिता मुझसे ब्याह करने पर तुम कितनी बड़ी परेशानी में पड़ जाओगे इसे तुम समझते ही नहीं हो लेकिन जो जन्म से ही शुद्ध है शोक की आग ने जिन्हें जलाकर हीरे की तरह निर्मल बना दिया है वो समझ गए अतः इस हतभागिनी को आश्रय देने के लिए ही अपने साथ लिए जा रहे हैं उनकी मंगल कामना को आज तुम आवेग में रहने के कारण देख न सकोगे लेकिन इसलिए उन पर झूठमुट दुष्यारोपण करके तुम अपराधी न बनो कहते कहते उसकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े आंखों के आंसू आज सतीश को शांत न कर सके वो और भी उत्तेजित होकर बोला झूठ है तुमने इसी प्रकार अपने को मुझसे अलग रखकर मेरा सर्वनाश किया है उपेन भैया ने ही कहा तुम संसार में किसी की अपेक्षा छोटी नहीं हो मैं सच है सावित्री ने कहा नहीं ये बात नहीं है भैया अब समाज से परे हैं इस लोक से परे हैं उनके मुंह की जो बात सच है दूसरे के मुंह दूसरे की आवश्यकता के अनुसार सच नहीं है तुम कहोगे सच हो या झूठ मैं समाज को नहीं जानता मैं समाज को नहीं चाहता मैं तुमको चाहता हूं लेकिन मैं तो ये नहीं कर सकती समाज मुझे नहीं चाहता ये मैं जानती हूँ श्रद्धा के बिना प्रेम टिक नहीं सकता समाज जिस स्त्री को उसके सम्मान का आसन नहीं देता किसी भी स्वामी की सामर्थ्य नहीं कि अपने बल से उसके उस आसन को बचा कर रख सके अजी इस असाध्य साधना की चेष्टा मत करो सावित्री के दोनों हाथ जोर से दबाकर सतीश बोल उठा सावित्री इन सब बातों को सुनने का धैर्य आज मुझ में नहीं है समझने की शक्ति भी नहीं है आज केवल मुझे छूकर तुम ये सच बात सीधे तौर से कह दो कि तुम मुझे प्यार करती हो या नहीं ये कहकर वो मानो समस्त इंद्रियों को समूचे शरीर तक को उन्मत्त करके सावित्री के मुंह की ओर निहारता रहा इन अत्यंत व्यग्र व्यथित दोनों नेत्रों की ओर देखकर सावित्री की आंखों से फिर आंसू झरने लगा उसने कहा प्यार करती हूं या नहीं नहीं तो किस बल से तुम पर मेरा इतना जोर है जिसके लिए मेरा इतना सुख है मेरा इतना बड़ा दुख है अजी इसीलिए तो तुम्हें मैंने इतना दुख दिया लेकिन किसी प्रकार अपना यह शरीर तुमको दे न सकी फिर आंचल से अपनी आंखें पहुंचकर बोली आज मैं तुमसे कोई बात न छिपाऊंगी मेरा यह शरीर आज तक नष्ट अवश्य नहीं हुआ है लेकिन तुम्हारे पाओ में सौंप देने की योग्यता भी तो इसमें नहीं है इस शरीर से बहुत बहुतों का मन मोहित किया है ये बात मैं किसी प्रकार भी भूल न सकूंगी इससे चाहे जिसकी सेवा हो पर तुम्हारी पूजा न हो सकेगी आज कैसे तुम्हें वो बात समझाऊं इतना प्यार यदि तुम्हें न करती तो इस प्रकार तुम्हें छोड़कर आज मुझे जाना न पड़ता एक कहकर सावित्री ने बार बार आंखें पोछी सतीश पहले तो स्तब्ध भाव से पड़ रहा फिर एकाएक बोल उठा तुम्हें तो और कुछ नहीं चाहता लेकिन तुम्हारा मन इससे तो तुमने किसी को कभी मोहित नहीं किया ये तो मेरा है नहीं नहीं इससे किसी दिन किसी दिन को मैंने मोहित करना नहीं चाह, ये तुम्हारा ही है यहाँ तुम ही चिरकाल से प्रभु हो यह कहकर उसने छाती पर हाथ रखकर कहा अंतर्यामी जानते हैं जितने दिन मैं जीवित रहूंगी जहा जिस दशा में रहूंगी हर समय तुम्हारी ही दासी बनी रहूंगी सतीश ने तुरंत तो उसका हाथ अपने दाएं हाथ में लेकर कहा भगवान का नाम लेकर तुमने ये जो स्वीकृति दे दी है यही मेरे लिए काफी है इससे अधिक मैं कुछ नहीं चाहता उसकी बातों के ढंग से सावित्री मन ही मन फिर संकेत हो उठी ऐसे ही समय में बिहारी ने दरवाजे के बाहर से पुकार कर कहा माँ जी बाबू ने कहा है अब तो देर हो रही है चलो आ रही हूं कहकर सावित्री उठ ही रही थी कि सतीश ने उसे जोर से पकड़ कर कहा कभी तुमसे मैंने कुछ नहीं मांगा आज जाते समय मुझे एक भिक्षा देती जाओ मेरे पास क्या है जो मैं तुम्हें दूंगी लेकिन फिर भी क्या चाहिए बताओ सतीश ने कहा मैं यह भिक्षा चाहता हूं यदि कोई कभी हम दोनों के संबंध की बात पूछे तो मेरा स्वामित्व स्वीकार करोगी बताओगी सावित्री को इसी बात का डर था फिर भी इस अद्भुत अनुरोध से हंस पड़ी बोली क्यों गवाहों के बल से अंत में मुझे घर में डाल तो नहीं सतीश ने कहा तुम्हारे हृदय में रहने वाले अंतर्यामी ही मेरे साक्षी है दूसरे साक्षी की मुझे आवश्यकता नहीं है और बाहर के बल से अंत में तुम्हें घर में डाल लूंगा यही डर तुमको है लेकिन अपने जोर से आज ही यदि मैं तुम्हें घर में डाल लूं तो कौन मुझे रोकने वाला है बताओ तो सावित्री ने फिर कुछ नहीं कहा सतीश ने कहा तुम्हारा जहां तहां अपनी ही इच्छा के अनुसार रहना मुझे पसंद नहीं है सावित्री का मुख धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा था वो मौन रही सतीश बोला उपेन्द्र भैया हैं पत्थर के देवता अगर रक्तमांस के देवता होते हैं तो मैं साथ न बेचता अच्छा आज जा ही रही हो तो जाओ लेकिन जान पड़ता है कि वहां अधिक दिनों तक तुम्हारे रहने से मुझे सुविधा न होगी तुम्हारी जैसी इच्छा कहकर सावित्री नमस्कार करके चली गई अध्याय संध्या को साढ़े पांच बजे लकड़ी के कारखाने से छुट्टी पाने पर दिबाकर आराकान की एक सड़क पर जा रहा है धूल से धुएं से लकड़ी के बुरादे से उसका सारा शरीर भर उठाए गले पर चादर नहीं है कुर्ता फाटा और मैला है धोती की भी वही दशा है दाएं पांव के जूते की एडी घिस जाने से चट्टी सी बन गई है बाएं पांव का अंगूठा जूते के बाहर से दिखाई पड़ रहा है सारा दिन पेट में अन्न नहीं गया है इसी दशा में हाफते हाफते वो मकान वाली के मकान में आ पहुंचा चार रुपये मासिक किराए पर वो निचले तल्ले की एक कोठी में रहता है पतले बरामदे में एक कोने में रसोई बनती है एक और लकड़ी उपलों पानी की बाल्टी आदि आसपास रखी हुई है दिवाकर के पांव की आहट पाकर पास की एक कोठरी से मकान वाली ने निकलकर कड़े शोर से कहा आ गए अच्छा हुआ ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो बाबू रसोई पानी नहीं नहाना खाना नहीं रात दिन केवल झगड़ा लड़ाई दांत पीसना। ये तो हमारे घर की लक्ष्मी को हटाने का उपाय कर रहे हो तुम लोग दिवाकर उदास मुख से सिर झुकाए रहा वो दोपहर को खाना खाने आया था पर किरणमयी के साथ झगड़ा करके बिना नहाए खाए अपने काम पर चला गया उसकी अवस्था देखकर मकान वाली का ठंडा नहीं हुआ उसने फिर कहा यह तो तुम्हारी ब्याही हुई पत्नी नहीं है बाबू कि इस पर इतना जोर जुलम चला रहे हो जैसे निकाल कर ले आए थे वैसे ही उसने भी अपना धर्म रखा है अब तो तुम्हारी भी नौकरी लग गई है अब तुम अलग हो जाओ अब इससे दुख क्यों देते हो बाबू ऐसी जबान औरत खाए पिए बिना सुख कर कांटा बन गई थोड़ी देर तक मौन रा करो बोली नहीं तो इसको चिंता ही क्या है वही मोड़ पर जो मारवाड़ी बाबू है वो रोज ही मेरे पास आदमी बेचता है कहता है सोने से सारा शरीर मर दूंगा और तुमको भी औरत के लिए चिंता क्या है बाबू भात बिखेर देने से क्या कौए का अभाव रहता है जाओ हट जाओ मेरी बात मानो कई दिनों से कह रही हूं तुम लोगों में मेल जोल अब नहीं होगा दिवाकर ने बीच में रोक कर कहा रहने दो मेरी बात उठाने की जरूरत नहीं है लेकिन उनकी भी क्या यही राय है तुम ही उनकी मंत्राणी हो क्या ठीक उसी समय किरणमयी अपनी कोशिश से बाहर निकल आई अवस्था के परिवर्तन के मनुष्य का शारीरिक मानसिक सब प्रकार का परिवर्तन कितना जल्दी हो जाता है देखकर आश्चर्य होता है आज उसकी ओर देखकर कौन कहेगा कि वही सौंदर्य की प्रतिमा किरणमयी है छह मास पूर्व वही एक दिन समाज को ठोकर मारकर एक नासमझ युवक को सौंदर्य और प्रेम के मुह में फांस कर ले आई थी वही धोखाधड़ी की रस्सी स्वयं किरणमय के ही गले में पड़ गई है पाप के साथ निष्फल क्रीड़ा करते रहने के कारण दिवाकर के हृदय से जो वासना का राक्षस निकल पड़ा है उससे आत्मरक्षा करने के लिए दिन रात लड़ाई करती हुई किरणमयी आज घायल हो चुकी है उसके सिर के बाले सुखे इधर उधर बिखरे हुए हैं वस्त्र मैले हैं फटे पुराने हैं मुंह पर एक प्रकार की सुखी हुई भूख मानो निराशा की चरम सीमा पर पहुंच गई है संपूर्ण शरीर की श्रीहीनता देखने से दुख होता है अलक्ष्मी की भांति वो धीरे धीरे आकर बरामदे में एक खंभे पर टिक कर दोनों की ओर देखती हुई चुपचाप खड़ी हो गई उसे देखते ही भूख से व्याकुल दिवाकर गरज उठा निर्लजता की सीमा नहीं रही वो मुँह दिवाकर आज घर भर के लोगों के सामने ऐसी भाषा में चिल्ला चिल्ला कर बोल सकता है इस पर विश्वास करना सरल नहीं है लेकिन वास्तव में उसने ये जो कहा क्या भाभी यही बात है अब मारवाड़ी मुसलमान बर्मी मद्रासी इनकी ही आवश्यकता है क्या वो इसलिए दिन रात झगड़ा हो रहा है इसीलिए मैं आंखों का जहर हो गया हूँ किरण भाई पहले तो जैसे कुछ समझी नहीं इसी भाव से उसकी ओर निहारती रही लेकिन उसका उत्तर दिया मकान वाली ने वो थोड़ा सा और आगे बढ़कर हाथ हिलाकर आंख मुंह मटका कर बोली वो क्यों ना चाहेगी बताओ हम लोग तो गृहस्थ के हैं कि है नहीं कि एक आदमी को पकड़ कर बैठी रहेंगे हम लोग हैं सुख के कबूतर एकदम स्वतंत्र जहां जिसके पास सुख मिलेगा सोना दाना मिलेगा उसके पास चली जाएंगी। इसमें लज्जा की क्या और छिपाना क्यों दिवाकर ने उससे धमका कर कहा तो चुप रहा मौगी जिससे पूछ रहा हूं वही बोले इस बार मकान वाली बारूद की तरह भभक उठी मरने को तैयार सी होकर बोली मेरे ही मकान में रहकर मुझे ही मोगी कर आए निकल जा मेरे मकान से दिबाकर भी क्रुद्ध हो उठा छह महीने पूर्व अपने बहुत बड़े दुस्वप्न में भी शायद ये कल्पना संभव न होती कि वो एक अछूत गणिका द्वारा इतना अपमानित होने के बाद भी कमर कसकर कर तू मैं में कर सकता है लेकिन वो तो अब उपेंद्र सुरबाला के स्नेहपूर्ण आधार प्यार से पोषित होने वाला दिबाकर नहीं रह गया है इसीलिए वो भी नेत्र लाल करके गरज उठा क्या मुझे निकल जाने के लिए कहती है क्या तू किराया नहीं लेती मकान वाली ने भी वैसे ही गरज कर कहा वाह बड़ा आया है किराया देने वाला। तुझे धिक्का तुझे तो तो अच्छा, दिबाकर ने दाँत पिस कर पागल की भांति दौड़कर किरणमयी को धक्का लगा दिया सारा दिन भूक फैस से थकी किरणमयी उस धक्के को संभाल न सकी पहले तो वो रंग की एक खाली बाल्टी पर जा गिरी फिर वहां से लुढ़क कर उपलों की दौरी पर मुंह के बल जा गिरी सुन रहे हैं बुलबुल कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल में अचित घिमिरे की वाचन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की उपन्यास चरित्रहीन उन्मत्त दिवाकर बोला जा निकल जा कौन है तेरा मारवाड़ी दूर हो ये कहकर वो घर के अंदर घुस गया मकान वाली भयंकर रूप से चिल्ला उठी कारखाने से अभी अभी लौटने वाले मजदूरों का दल हाथ की मोहिहा तो था चिल्लाहट से चौंक कर हाथ का साबुन फेंक का कर वो दौड़ पड़े फेंकान वाली बहू को मार डाला रे इस बदमाश छोकरे को तुम लोग मारते मारते निकाल बाहर करो फिर मेरे घर में आने न पाए मकान वाली के कहने पर वे लोग कमरे में घुसने के लिए ज्यों ही तैयार हुए त्यों ही किरणमयी माथे का घूंघट खींचकर दृढ़ से बोली झगड़ा बगड़ा किसके घर में नहीं होता मेरे शरीर पर हाथ लगाया है तो तुम लोगों को क्या तुम लोग अपने घर जाओ ये कहकर वो तुरंत उठ खड़ी हुई और कमरे में जाकर किबाड़ बंद कर लिए बल पराक्रम दिखाने का सुयोग खोकर लोग उदास मन से लौट गए मकान वाली बाहर खड़ी होकर गाल पर हाथ रख कर बोली विचित्र बात है दरवाजा बंद करके किरणमयी ने दिया सलाई से बत्ती जलाई लकड़ी का घर चौड़ा न रहने पर भी लंबा था एक और मूझ से बुनी चारपाई पर दिवाकर का बिछौना है दूसरी ओर काठ के फर्श पर किरणमई का बिछोना लपेटा हुआ रखा है पांव की ओर कुछ मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर रखे हुए हैं और उसी कोने में लकड़ी के शिकारे पर रसोई की हाड़ी कड़ाही कलछोल आदि रखे हुए हैं यही उनकी गृहस्थी का सामान है बत्ती जलाकर किरणमयी दरवाजे के पास फर्श पर स्थिर होकर बैठ गई किसी के मुंह से कोई बात न निकली चारपाई पर दिवाकर से है चुपचाप बैठा था इसी प्रकार बड़ी देर तक दोनों मौन बैठे रहे फिर धीरे धीरे किरणमयी सामने खड़ी होकर सहज भाव से बोली हाँड़ी में बात रखा है परोस देती हूँ चलो खा लो दिवाकर ने रूंधे शोर से कहा नहीं उसके गले के शोर से जान पड़ा कि वो अब तक रो रहा था किरण ने कहा नहीं क्यों सारा दिन तुमने कुछ खाया नहीं आज न खाने पर भी कल तो खाना ही होगा खाने पहने में क्रोध करने से काम नहीं चलता मैं बात परोस देती हूँ दिवाकर उत्तर तक न दे सका लज्जा तथा पश्चाताप से वो चल रहा था सचमुच ही वो किरणमयी को प्यार करता था यहाँ आने के बाद से बहुत दिनों तक बाहर के लोगों के जानने पर भी अंदर ही अंदर बहुत ही गुप्त रूप से दोनों के बीच आसक्ति और विरक्ति का जो संग्राम प्रतिदिन चल रहा था उसका प्रत्येक आघात दिबाकर चुपचाप सह रहा था ऐसी उत्तेजना बहुत बार हुई थी लेकिन अब से पूर्व किसी दिन उसने इस प्रकार पाशविक आचरण नहीं किया था वास्तव में किसी कारण से किसी भी अत्याचार के कारण वो किरणमय के शरीर पर हाथ उठा सकता है और सचमुच ही उसने अभी अभी उठा दिया है इसे वो अब तक ठीक प्रकार से समझ नहीं पा रहा था इसलिए कमरे में घुसकर वो बिछौने पर आ बैठा था लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब किरण मई ने अपनी सभी लाछनाओं को झाड़ फेंक कर मकान में लोगों के आक्रमण और उत्पीड़न से उसे बचा लिया और कमरे में घुसकर अंदर से किबाड़ बंद कर दिए तब उसे होश आया किरण मई का अनुरोध समाप्त भी नहीं हुआ था कि लहरें जिस प्रकार पहाड़ की जड़ पर टकराती है उसी प्रकार उस रमणी के पाओ पर मुंह के बल गिर कर आवेग से वह रो उठा बोला मैं पशु हूँ मुझे क्षमा कर दो बाबी किरण मई ने निर्विकार रहकर पहले के ही भांति सहज कंठ से कहा केवल तुम्हारा ही दोष नहीं है मनुष्य मात्र को ही ये सब काम पशु बना देते हैं मुझे भी पशु बना देने में एक तिल भी कसर नहीं रखी है बबुआ दिवाकर ने जोर से सिर हिलाकर कहा नहीं नहीं और किसी की बात से मुझे मतलब नहीं है भाभी लेकिन मेरे आज के इस आचरण का प्रायश्चित कैसे होगा मुझे बता दो मैं वही करूंगा किरण भई ने कहा इसमें अपराध की क्या है क्या सुना नहीं क्रोध में मनुष्य मनुष्य की हत्या तक कर डालता है तुमने तो केवल धक्का दिया है मैंने क्या अपराध नहीं किया सब दोस्त का केवल तुम्हारी है लेकिन जाने दो इन बातों को सभी आरोपों का आज अंत हो गया इससे भविष्य में भी आवश्यकता न पड़ेगी मुझे भी नहीं अब जाओ हाथ मुंह धोकर खाने बैठो मैं खड़ी भी नहीं रह सकती दिवाकर धीरे धीरे उठ बैठा किरणमयी के शोर से वो समझ गया था कि वो और बातें करना भी नहीं चाहती सारा दिन उपवास करने के बाद दिवाकर खाना खाकर बाहर मुंह धोने गया उसके मन की ग्लानी भी घटती जा रही थी मुंह धोकर खुशी से कमरे में आकर उसने देखा किरणमयी ने उसका बिछोना समेट कर नीचे रख दिया है उसने पूछा नीचे क्यों उतार दिया किरणमयी ने अभी चलित शोर से कहा पहले बताने से शायद तुम्हारा खाना नहीं होता इसलिए नहीं कहा आज के बाद हम लोगों की फिर कभी भेंट मुलाकात नहीं होगी बहुत रात नहीं हुई है आज कालीबाड़ी में जाकर सो रहो कल सुविधा के अनुसार कोई और डेरा ढूंढ लेना और यदि देश में न रहना चाहो तो परसों स्टीमर छूटेगा मैं रुपया दे दूंगी घर लौट जाना तुम्हारी जो इच्छा हो वही करो मेरे साथ अब तुम्हारा कोई संबंध न रहेगा दिवाकर सुनता जा रहा था उसे जान पड़ रहा था कि किरण का ममताहीन एक एक शब्द मानो पत्थर के टुकड़ों की भांति उन दोनों के बीच सदा के लिए एक अवैध दीवार की खड़ी कर रहा है उसकी बातें समाप्त होने पर उसने कहा और तुम मेरी बात सुनने से तुम्हें भी लाभ नहीं फिर भी यदि इस देश में रहोगे तो कल परसों तक सुन ही लोगे दिवाकर ने कहा तो मकान वाले की बात ही सच है वही गंवार मारवाड़ी किरण ने कड़े शोर से उत्तर दिया हो भी सकता है लेकिन और जो कुछ भी हो तुम्हारे कंधे पर निर्भर होकर नीचे के मार्ग में उतर पड़ी थी इसीलिए उसकी अंतिम सीमा तक तुम्हारे ही आश्रय में उतरना पड़े तो यह जरूरी नहीं है मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं सोने जाती हूँ और तुम बेर देर मत करो कल सवेरे तुम्हारी चीजें तुम्हारे पास भेज दूंगी दिवाकर ने कहा इतनी जल्दी आज रात को मुझे यहाँ नहीं रहने दोगी नहीं दिवाकर ने थोड़ी देर तक रुके रह कर कहा तो क्या मेरा सर्वनाश करने के लिए ही मुझसे इस विपत्ति में खींच लाई थी किसी दिन तुमने प्यार भी नहीं किया किरण ने कहा नहीं लेकिन तुम्हारा नहीं एक और मनुष्य का सर्वनाश कर रही हूं ऐसा सोचकर ही मैंने तुम्हारा नुकसान किया है और मेरा जाने दो मेरी बात आधी से अंत तक अब मुझसे भूलें ही हुई है और उन्हीं भूलों के लिए आज मैं पाँव पड़कर तुमसे क्षमा मांग रही हूँ बबुआ जी दिवाकर ने लंबी सांस लेकर कहा मेरे सर्वनाश की चिंता तुम्हें नहीं है इसीलिए तुम इतनी सरलता से क्षमा मांग सकती हो लेकिन इस सर्वनाश की अपेक्षा भी आज मेरा प्रेम बहुत बड़ा है इसीलिए अभी तक मैं जीवित हूँ नहीं तो छाती फट जाने से मैं मर गया होता लेकिन एक बात तुम मुझे समझा दो जिसके पास तुम जाओगी उसको भी तो तुम प्यार नहीं करती शायद उसे तुम पहचानती भी नहीं फिर भी मुझे छोड़कर तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो मैंने तो किसी दिन तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं किया लेकिन सचमुच ही क्या तुम जाओगी किरणमयी ने सिर हिलाकर कहा सचमुच ही जाऊंगी इसके बाद वो बड़ी देर तक धरती की ओर निहारती रही फिर मुंह ऊपर उठाकर बोली नहीं आज मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगी मैं भगवान को नहीं मानती न आत्मा को मानती हूँ ये सब मेरे लिए व्यर्थ है एकदम असत्य है मैं मानती हूँ केवल यह काल को और इस शरीर को जीवन में केवल एक व्यक्ति के सामने मैंने हार मानी थी वो थी सुरबाला लेकिन जाने दो इस बात को सच कहती हूँ बबुआ जी मैं मानती हूँ केवल यह काल को और इस सुंदर शरीर को लेकिन मेरा ऐसा फूटा भाग्य है इसी से अनंग की भांति पतंग को भी मैंने मोहित करना चाहा था यह कह कहकर लंबी सांस छोड़कर किरणमयी चुप हो गई दो क्षण चुप रहकर उसने मानो सहसा जाग कर कहा उसके बाद एक दिन जिस दिन सचमुच ही मैंने प्यार किया बबुआ उसी दिन मैं जान गई क्यों मेरा सारा शरीर इतने दिनों तक इसके लिए उतावला होकर प्रतीक्षा कर रहा था दिबाकर ने व्यग्र होकर कहा किसके लिए भाभी किरणमयी हंसकर मानो अपने मन में ही कहने लगी मैंने सोचा था इस प्रेम की तुलना शायद तुम्हारे स्वर्ग में भी नहीं है लेकिन वो स्वर्ग टिक न सका उस दिन महाभारत की कहानियों के विषय में जिस स्त्री से मैं हार आई थी फिर उसी से हार मानी लेनी पड़ी प्रेम के द्वंद में भी सिर झुकाकर मैं चली आई झुका का नशा हट गया मैंने स्पष्ट देख लिया कि उसे सौंदर्य के बुलावे में डालने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है दिवाकर को एक बार ऐसा पड़ा जान पड़ा कि उसका निविड अंधकार मानो स्वच्छ होता जा रहा है किरण भाई कहने लगी उस स्त्री से एक विशेष सीखने का मुझे लोभ हुआ था वो था अपने पति को प्यार करना शायद मैं सीख भी सकती थी लेकिन ऐसा फूटा भाग्य है कि वो मार्ग भी दो दिनों में बंद हो गया अच्छी बात है तुमने क्या पूछा था बबुआ तुमको मैं प्यार क्यों नहीं करती प्यार तो किया था अवश्य लेकिन मैं उम्र में बड़ी हूँ इसीलिए जिस दिन तुम्हारे उपेन भैया मेरे हाथ में तुमको सौंप गए थे उसी दिन से मैंने तुमको छोटे भाई की तरह प्यार किया था इसीलिए तो छह महीने से अपनी ही छलना से मैं छत बिछत हो रही हूँ तुम्हारी आंखों की भूख से तुम्हारे मुंह की प्रार्थना से मेरा सारा शरीर घृणा से लज्जा से कांप उठता है इसे क्या तुम एक दिन भी न समझ सके बबुआ जाओ अब तुम हट जाओ मुझे पाप पुण्य स्वर्ग नरक कुछ भी न मिले लेकिन इस शरीर पर तुम्हारी लोलोप दृष्टि में अब सह नहीं सकती ये कहकर उसने बिछौना उठाकर दिवाकर के सामने फेंक दिया और बोली अब तुम पर मेरा विश्वास नहीं रहा मेरा एक और छोटा भाई आज भी जीवित है उसी सतीश का मुंह देखकर मुझे तुमसे आत्मरक्षा करनी पड़ेगी तुम जाओ दिवाकर फिर दोबारा कुछ न कहकर बिछौना उठाकर बाहर के अंधकार में विलीन हो गया अध्याय तैतालीस सवेरे किरण थके अस्थाय शरीर से काम कर रही थी कामिनी मकान वाली आकर दरवाजे के सामने खड़ी होकर खूब हंसकर बोली चला गया छोकरा आफत दूर हुई कल तो मुझे मारने के लिए ही तैयार हो गया था अरे तेरा काम है औरत रखना बकरों से यदि जौ पर दौरी चल सकती तो लोग बल बैल क्यों पालते किरण ने पूछा किसने कहा कि वो चला गया मकान वाली ने हंसकर आंखें मटका कर कहा लो अब नखरा करने की जरूरत नहीं है किसने कहा मैं हूं मकान वाली मुझसे कौन कहेगा मैंने अपने कानों से सुनाए नहीं तो क्या इतने दिनों तक मैं ये मकान रख सकती थी किस समय इसे पांच भूत मिलकर खा गए होते ये क्या तुम जानती हो किरण भाई चुपचाप घर का काम करने लगी उत्तर न पाकर मकान वाली स्वयं करने लगी मैं तो इतनों दिनों से कह रही थी बहू कि निकाल बाहर करो इस आफत को यह नहीं रहने दो कहां जाएगा अरे कहाँ जाएगा ये मैं क्या जानू इतना सोचते रहने से तो काम नहीं चलता खाओ पहनो सुगंधित तेल लगाओ सोना दाना शरीर पर चढ़ाओ साथ ही साथ मोज उड़ाओ ऐसा नहीं करोगी तो देश की दुनिया से बाहर आकर एक कैसा दर प्रेम करना है बेटी किरण मई ने केवल एक बार मुंह ऊपर उठाकर अपनी आंखें चुका ली मकान वाली ने समझा कि उसकी बहुदर्शिता की उपदेश वाली काम कर रही है और यह क्या बेटी तुम्हारा प्रेम करने का समय अभी तो चढ़ी जबानी है इस समय तो दोनों हाथों से लुटोगी इसके बाद दो पैसे हाथ में रखकर चैन से बैठना उम्र चढ़ जाने पर प्रेम करना तुमको मना कौन करता है हाथ में पैसे रहने पर क्या छोकरों का अभाव रहेगा कितने चाहिए तब तो दोनों पांव इकट्ठे करके उठ न सकोगी किरण भाई अनमी थी क्या पता सभी बातें उसके कानों में पहुंची या नहीं लेकिन उसने कोई बात नहीं कही मकान वाली को अपने घर का काम धंधा करना था इसलिए वो देर न कर सकने के कारण दोपहर को फिर आने के लिए कहकर चली गई जन 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 इस मकान में रहने वाले प्राय सभी कारखानों में नौकरी करते हैं। सवेरे काम पर जाते हैं दोपहर को खाने की छुट्टी मिलने पर घर चले आते हैं और स्नान भोजन करके फिर काम पर चले जाते हैं संध्या के कुछ ही पूर्व उन्हें छुट्टी मिलती है आज भी सवेरे उनके काम पर चले जाने पर दो ढाई बजे के बाद मकान वाली आकर फिर दरवाजे के पास खड़ी हो गई मधुरकंठ से उसने कहा खाना पीना हो गया बाऊ क्या रसोई बनी थी किरण मई ने आज चूल्हे में आग तक नहीं जलाई थी मकान वाली के पूछने पर बोली हाँ हो गया है आओ बैठो मकान वाली दरवाजे के पास ही बैठ गई वो कमरे में घुसती ही समझ गई थी कि किरण मई का मन ठीक नहीं है इसलिए सहानुभूति के शोर से बोली यह तो होगा ही बेटी दो दिन मन खराब रहेगा एक पशु पक्षी को पालने पोसने से मन कैसा उदास होता है और ये तो आदमी है जैसे भी हो छ सात महीने तक उसके साथ गृहस्थी भी तो चलानी पड़ी ये दशा दो चार दिन ही रहेगी फिर तो कोई काम नहीं लेता बहु आंखों से बहुत सी ऐसी घटनाएं मैंने देखी है किरणमयी ने बरबस हंसकर कहा ये तो सच नहीं है मकान वाली ने आंखें नचा कर कहा सच नहीं है तुम ही बताओ ना बेटी क्या सच नहीं है फिर नया आदमी आए नए ढंग से मन बहलाओ बस सब ठीक हो जाएगा क्या करती हो यही बात है ना किरण मई ने सिर हिलाकर सहमति तो अवश्य प्रकट कर दी लेकिन इस प्रकार इच्छा के विरुद्ध उसके वार्तालाप से उसका चित्त भटकता जा रहा था किरणमयी ने सिर हिलाकर सहमति तो अवश्य प्रकट कर दी लेकिन इस प्रकार इच्छा के विरुद्ध उसके वार्तालाप से उसका चित्त भटकता जा रहा था एकाएक मकान वाली ने आंखें मुंह से कोड़कर शोर को धीमा करके कहा अच्छी बात याद आ गई बहू उस गवार मनुष्य के पास तो मैंने सवेरे ही खबर भेज दी थी उससे तो अब सहा नहीं जाता कहता है लोग काम पर चले जाएंगे तो दोपहर को ही आऊंगा कौन जाने वो इसी समय ना आ जा किरणमयी ने डर कर होकर कहा क्यों? मकान वाली ने बनावटी क्रोध दिखाकर कहा मर जा ना आएगा तो क्या तू वहां जाएगी तेरी बातें सुनने से तो हंसते हंसते पेट की अंतड़ी तक टूट जाती है कहकर सुखी छटा से लुढ़क कर बिल्कुल ही किरणमयी के ऊपर जा गिरी किरणमयी ने कोई बात नहीं कही केवल थोड़ा सा सरक कर बैठ गई मकान वाली ने आत्मीयता के आवेश में आज पहले पहल उसे तू कहकर संबोधित किया था लेकिन सकीफन की ये अत्यंत घनिष्ठता बढ़ाने वाली बातचीत इस नीच औरत के मुंह से निकलकर किरणमयी के मन में जाकर एकदम तीर की भांति बीत गई उसके हृदय में आज भी जो महिमा मुरछाहत की भांति पड़ी हुई थी इस एक ही शब्द को चोट से उसकी नींद टूट गई मकान वाली ने इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया वो अपनी ही झक में कहने लगी तू देख लेना बहू छ महीने में यदि मैं तेरा भाग्य न पलट दूं तो मेरा नाम कामिनी मकान वाली नहीं तो केवल मेरे कहने के अनुसार चलना मैं और कुछ भी नहीं चाहती किरण को ज्ञात हुआ मानो ये वह स्त्री उसके कानों की समस्त स्नायु शिराओं को जलती हुई संडसी से खींच कर निकाल रही है लेकिन मना करने की बात उसके मुंह से नहीं निकली वो केवल चुपचाप सुनती रही है। मकान वाली ने कहा गंवार मारबाड़िए दो पैसे पास है जोश में आ गया है दोनों हाथों से दूले उसके बाद वो कम वक्त चला जाए बाढ़ में और कितने ही आप फंसेंगे तूने इस प्रकार अपने को बना रखा है नहीं तो तेरा रूप क्या साधारण रूप है बहू उस समय बाहरी बरामदे से किसी के टूटे गले से पुकार आई मकान वाली अब जातियों का कर मकान वाली जाने लगी लेकिन किरणमयी ने दोनों हाथ बढ़ाकर उसका आंचल जोर से पकड़कर कहा नहीं नहीं यहां किसी प्रकार भी नहीं इस कमरे में कोई भी नहीं आ पाए मकान वाली ने कहा क्यों कोई है यहां किरण मई ने कहा कोई रहे या न रहे यहां नहीं किसी तरह भी नहीं आगंतुक के पैरों की आहट क्रमश निकट आने लगी मकान वाली ने कहा तू तो अब किसी की कुलबंती बहू नहीं है लोग तेरे घर में आएंगे बैठेंगे इसमें डर किसका तो, है सुनो तो तू है बेस्या किरण भाई चिल्ला उठी क्या हूं मैं मैं बेस्या हूं उसे जान पड़ा जैसे आग की धारा उसके पैरों के तलवे से उठकर उसके मस्तक को छेदती हुई बाहर निकल गई उसकी लाल आंखें और तेज शोर से मकान वाली ने चिड़ कहा वो नहीं तो और क्या नखरा देखने से शरीर जलने लगता है अब हम लोग जो हैं तुम भी वही हो भला आदमी आ रहा है में बैठा इस भले आदमी से मकान वाली पहले ही रुपया ले चुकी थी और भी कुछ पाने की आशा कर रही थी भला आदमी दरवाजे के निकट खड़ा हो गया और दांत निकाल कर बोला क्यों मकान वाली सब ठीक है मकान वाली ने अपना आंचल खींचकर विनय के साथ कहा सब तुम लोगों की मेहरबानी है जाओ कमरे में जाकर बैठो मैं पान लगाकर ला रही हूं फिर जरा हंसकर बोली अब तो ये घर द्वार सब तुम्हारा है, है बाबू जी इसे अच्छी तरह सजाना पड़ेगा यह मैं बता देती हूँ अच्छा अच्छा ये सब हो जाएगा यह कहकर वो आदमी जरा भी संकोच न करके कमरे में घुसकर कर खटिया पर बैठने लगा किरणमयी की स्नायु शिराओं में लोहे से भी कड़ी दृढ़ता थी इसीलिए इतनी देर तक वो सहन कर सकी थी लेकिन अब न कर सकी उसके रूप यौवन पर लुब्ध इस अपरिचित हिंदुस्तानी ग्राहक के कमरे में घुसते ही वो बेहोश होकर केले के वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़ी वो मनुष्य चौंक कर देखने लगा और इस आकस्मिक विपत्ति के आने से ठगासा हो गया मकान वाली की चिल्लाहट से मकान की सभी स्त्रियों की कच्ची नींद टूट गई तुरंत ही वे दौड़कर चली आईं और कोई जल लाकर कोई पंखा लाकर उस अभागिनी की सेवा करने में लग गईं. और मकान वाली दरवाजे पर बैठे कर ऊंचे शोर से लगातार घोषणा करने लगी कि इस काम में उसने अपने बाल पका दिए लेकिन आज तक इस तरह के नखरे और ढोंग न सीख सकी आज तक भी नागर को देखकर दांत लगाने की युक्ति उसने नहीं सीखी एकाएक इस दुर्घटना के बीच फिर एक नई गड़बड़ी सुनाई पड़ी खबर मिली कि मुख्य द्वार पर कोई एक नया बाबू आया है और दिवाकर तथा भाभी कहकर बड़ा शोरगुल मचा रहा है नौकर से मकान वाली इस आगंतुक बाबू का विशेष परिचय पूछ रही थी कि उसी समय एक लंबे शरीर का पुरुष एक बहुत बड़ा बैग हाथ में लिए सामने आकर गंभीर शोर में पुकार उठा भाभी उसके दाएं हाथ की अंगुली में हीरे की एक अंगूठी सूर्य की किरणों से चमक उठी मकान वाली ने आदर के साथ खड़ी होकर पूछा किस खोज रहे हैं दिबाकर यहाँ रहता है मकान वाली ने कहा नहीं मेरी भाभी किरणमयी किस कमरे में रहती है मकान वाली के साथ ही साथ और भी दो चार स्त्रियां गर्दन बढ़ाकर देख रही थी उनमें से किसी ने कहा वही तो मूर्छित होकर पड़ी हुई है जी मूर्छित हुई है कहा देखू कहकर आगंतुक सज्जन भीड़ को ठेल कर कमरे में जा पहुंचा बेहोश किरणमयी उस समय भी धरती पर पड़ी हुई थी सारा शरीर पसीने से तर हो रहा है आंखें मुदी है चेहरा पीला पड़ा गया है बाल भीगे और बिखरे हुए हैं शरीर का कपड़ा खिसक गया है आगंतुक था सतीश उसकी दृष्टि उस हिंदुस्तानी पर जा पड़ी इस समय वो पास आकर टकटकी लगाए किरण को देखता रहा था सतीश ने विस्मित और अत्यंत क्रूध होकर पूछा ए तू कौन है उसकी ओर से मकान वाली ने उत्तर दिया आ, यह तो हमारी मारवाड़ी बाबू है वही तो लेकिन परिचय देना समाप्त तो होने के पूर्व ही सतीश ने उस व्यक्ति को दरवाजा दिखाकर कहा बाहर जाओ मारवाड़ी के पास रुपए हैं। ये है नया प्रेमी विशेषतः तो इतनी स्त्रियों के सामने वो हीन भी नहीं हो सकता इसलिए साहस के साथ उसने कहा क्यों सतीश ने फर्श पर जोर से पर पैर पटक कर धमका कर कहा बाहर जाओ सब लोगों के साथ मकान वाली तक चौंक उठी और फिर कुछ न कहकर मारवाड़ी बाहर चला गया सतीश किरणमय के शरीर को उसके खिसके हुए कपड़े से ढककर एक पंखा लेकर जोर से हवा करने लगा और दोनों को घेर कर उपस्थित स्त्रियां तरह तरह की बातें करने लगी इन लोगों की तरह तरह की आलोचना से थोड़ी ही देर में सतीश बहुत सी बातें जान गया मकान वाली और आश्चर्य प्रकट करके बार बार कहने लगी इतनी बड़ी उम्र बीत जाने पर भी ऐसी औरत मैंने कभी नहीं देखी कि बेस्या कहने से वो आंखें उलटकर दांत लगाकर बेहोश हो जाए कुछ देर के बाद होश आने पर किरणमयी माथे का कपड़ा संभाल कर उठ बैठी छण भर देखती रहकर छेड़ शोर से बोली बबुआ जी जान 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 सतीश ने प्रणाम करके पाओ की धूल सिर पर चढ़ा कर कहा हां भाभी मैं ही हूं लेकिन बात क्या है बताओ तो जैसा पहनावा है वैसा ही कर दुआरे वैसी ही शरीर की शोभा है कौन कहेगा कि यही है सतीश की दीदी मानो कहीं कि एक अनाथ पग है लड़कपन तो बहुत किया अब कल के जहाज से घर चलो स्त्रियों की ओर देख कर कहा अब तुम लोग जाओ किरणमयी निश्चल पत्थर की मूर्ति की भांति मुंह झुकाये निहारती रही उसके हृदय की बात अंतर्यामी ही जाने लेकिन बाहर से कुछ भी प्रकट नहीं हुआ स्त्रियों के बाहर चले जाने पर सतीश ने कहा वो सुअर कहाँ है भाभी किरणमयी ने मुंह ऊपर उठाए बिना ही कहा इतने दिनों तक तो यही था कल रात को दूसरी जगह चला गया क्यों मैंने चले जाने को कहा था इसलिए लेकिन बुलाने से क्या एक बार आएगा नहीं बुलाकर देखती हूं किरणमयी बाहर जाकर घर के नौकर को कालीबाड़ी भेजकर फिर लौट आई बोली तुम आओगे ये बात मेरे स्वप्ने से भी बाहर थी बबुआ सतीश ने कहा मेरा आना क्या मेरे लिए भी स्वप्न से अतीत की बात नहीं है भाभी यह तो है ही कहकर किरणमयी फिर गर्दन झुकाए बैठी रही उसे बहुत सी बातें जानने की आवश्यकता थी सतीश उसके घर की दासी से पता लगा कर आया है यह समझना कठिन नहीं है लेकिन यह है कि इतने दिनों के बाद पता लगाकर लौटा ले जाने के लिए इतनी दूर आने का वास्तविक कारण अनुमान करना सचमुच ही कठिन था लेकिन आने के कारण सतीश ने स्वयं ही प्रकट कर दिया बोला कल जहाज छूटेगा मैं तुम लोगों को लीवा ले जाने के लिए आया हूं बाबी किरण ने मुंह ऊपर उठाकर कहा उपेन बबुआ ने भेजा है बहुत अच्छा दिवाकर को ले आओ मैं प्रार्थना करती हूं चला जाए तो अच्छा है सतीश ने कहा केवल दूसरों की आज्ञा पूरी करने के लिए ही इतनी दूर नहीं आया हूं अपनी ओर से भी मुझे इसकी जरूरत है सोचती हो कि इतने दिनों क्यों बात क्यों मुझे कोई पता ही नहीं मिलता था उसके बाद बाबूजी मर गए स्वयं मैं भी जाने वाला ही था शायद कभी भेंट ना होती होती किरण मई ने मुंह ऊपर उठाकर देखा उसकी दोनों आंखों से संसार का समस्त स्नेह मानो सतीश के शरीर पर बरस पड़ा क्षण भर के बाद वो करुण कंठ से बोली मैं किसके पास जाऊंगी बबुआ मेरा अपना कौन है मेरे पास चलोगी भाभी मैं हूं लेकिन मुझे आश्रय देना क्या अच्छा होगा सतीश ने कहा तुम्हें याद नहीं है भाभी बहुत दिन पूर्व इस भले बुरे का सदा के लिए निश्चय हो चुका था जिस दिन तुमने छोटा भाई कहकर पुकारा था यदि तुमने कोई अन्याय किया होगा तो उसका उत्तर तुम दोगी लेकिन मेरी जवाबदेही यही है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं तुम्हारा विचार करने का मुझे अधिकार नहीं है ये बातें सुनकर किरणमयी का मन करने लगा कि एक बार जी भर के रो ले लेकिन अपने को संभाल कर उसने कहा लेकिन बबुआ समाज तो है सतीश ने बीच में रोक कर कहा नहीं नहीं है जिसके पास रुपया है जिसके शरीर में बल है उसके विरुद्ध समाज नहीं रह सकता ये दोनों चीजें मुझे मिल गई है बाबी उसके कहने से ढंग से किरणमयी को हंसी आ गई फिर कुछ मौन राकर बोली बबुआ रुपया और शरीर के बल से तुम समाज को भले ही न मारो लेकिन अपनी अश्रद्धा के साथ से इस पापिष्ठा को बचाओगे किस प्रकार सतीश आबे के साथ बोल उठा मैंने लिखना पढ़ना नहीं सिखाए मैं हूं गंवार मूर्ख आदमी बाबी इतने बातों का उत्तर भी मैं नहीं दे सकता इतनी छानबीन कर ले भले बुरे का हिसाब भी मैं करना नहीं जानता और ये क्या सतयुग है कि दुनिया भर के लोग उपेन्द्र भैया की भांति युधिष्ठिर बन जाएंगे यह तो है कलिकाल अन्याय कुकर्म तो लोग करेंगे ही इनका लेखा जोखा लिख कर कौन बैठा हुआ है मेरा विचार उल्टा है उसे चाहे तुम अच्छा कहो या बुरा कहो भाभी मैं देखता हूं कि कौन क्या काम करता है आरान भैया की मृत्यु के समय तुम्हारी वह पति सेवा तो मैंने अपनी आंखों से देखी है वही तुम अब असती हो जाओगी इस बात पर मैं मर जाने पर भी विश्वास न कर सकूंगा चाहे जो कुछ भी हो मैं तुमको लेकर ही जाऊंगा बीमारी ने मुझे जरा सुस्त तो अवश्य बना दिया है फिर भी इस मोहल्ले के लोगों में सामर्थ्य नहीं है कि मेरे हाथ से तुम्हें छीन ले कल तुमको कंधे पर उठाकर मैं जहाज पर अवश्य चढ़ाऊंगा चाहे तुम कितनी ही आपत्ति क्यों न करो किरण भाई हंस पड़ी अपराध की समस्त कालीमा मिट गई सरल हंसी की छटा से मुंह खिल उठा क्षण भर के लिए जान पड़ा मानो कोई भी निंदनीय कार्य उसी ने नहीं किया केवल कि नाराज होकर दो दिन के लिए ससुराल से अपने मैके चली आई थी देवर लौटा ले जाने के लिए प्रार्थना कर रहा है जल जल, 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 उसी समय किबाड़ के बाहर से पुकार कर दिबाकर कमरे में आया उसने कहा मुझे तुमने बुलवाया था एक कहने के साथ ही खटिया पर उसकी दृष्टि पड़ी कोई इस प्रकार चौंक पड़ा मानो भूत देखने से कोई चौंक पड़ता है बाहर के उजाले से कमरे के अंतकार में प्रवेश करके उसने पहले सतीश को नहीं देखा था अब पहचान कर उसका चेहरा पीला पड़ गया सतीश ने हंसकर कहा मैं उपेन भैया नहीं हूं कुकर्मो का राजा बैठ उपेन भैया का परवाना लेकर आया हूं कल प्रातः ही साढ़े बजे के पहले पहला जहाज छूटेगा याद रखना दिवाकर वहीं बैठ गया दोनों घुटनों के बीच मुंह छिपाकर बड़ी देर के बाद उसने कहा मैंने जाऊंगा सतीश भैया सतीश ने कहा तेरी मिट्टी जाएगी उपेन्द्र भैया की आज्ञा है जीवित या मृत विद्रोही दिवाकर का सिर चाहिए ही दिबाकर ने कहा तो उसका सिर ही ले जाना सतीश भैया उससे मैं सवेरे छह बजे अंदर ही लाकर दे दूंगा सतीश ने एक प्रकार की आवाज निकालकर कहा अरे बाप रे लड़के का क्रोध तो देखो लेकिन तू जाएगा क्यों नहीं दिबाकर ने कहा तुम क्या पागल हो सतीश भैया संसार में क्या मेरा कोई है जिसके के पास में अब जाकर सिर ऊंचा करके खड़ा हो सकूं? सतीश ने कहा ठीक है सिर ऊंचा करने में आपत्ति हो तो झुकाकर ही खड़ा रहना लेकिन तुझे जाना तो होगा ही। अरे तूने ऐसा कौन सा बहुत बुरा काम किया है कि लज्जा से मरता जा रहा है इतने ही दिनों में जो सब विचित्र कर्म मैंने कर डाला है वहां चलकर उन सब का हाल सुन लेना पंचमकार भूत सिद्धि वैताल सिद्धि इन सब का नाम तुमने सुना है कभी चल उपेन भैया अब वही उपेन भैया नहीं है हम पांच आदमियों ने मिलकर उनको एक तरह से ठीक बना दिया है भाभी जो कुछ ले चलना है ले लो मैं टिकट खरीदने जा रहा हूं उसकी अंतिम बात किरणमयी के कानों में खटक गई उसने पूछा ठीक बना देने का अर्थ क्या है बबुआ सतीश ने हंसकर कहा चलने पर ही तुम देख सकोगी भाभी उसकी सुखी हंसी को लक्ष्य कर क्षण भर मौन रहकर किरणमयी ने कहा लेकिन मैंने तो तुमसे कह दिया बबुआ मैं न जा सकूंगी कर ने भी दृढ़ सोर से कहा मैं भी किसी प्रकार नहीं जाऊंगा सतीश भैया तुम झूठ मूठ मेरे लिए रुपया नष्ट मत करो सतीश उठने जा रहा था अताश भाव से बैठ गया उपेंद्र की बीमारी की बात अब तक उसने छिपा रखी थी लेकिन अब छिपा रखना संभव नहीं रहा उसने कहा मैं बड़े गर्व के साथ कहा आया हूं कि उन लोगों को लाऊंगा ये मेरी बात तुम लोग भले ही न रखो लेकिन उन्होंने क्या तुम लोगों के प्रति कोई ऐसा बड़ा अपराध किया है कि उन्हें यह कष्ट तुम लोगों को देना पड़ेगा मेरे अकेले लौट जाने से उनको कितना दुख होगा ये तो मैं अपनी आंखों से ही देखा आया हूं दिबाकर ऐसा अधर्म मत कर रहे तुझे देखने के लिए ही उनका प्राण अभी अटका हुआ है नहीं तो बहुत पहले ही चला गया होता दोनों सुनने वाले एक ही साथ धीरे से चीख उठे सतीश कहने लगा इसी माघ के अंत में एक्समा रोग से जब पशु भाभी स्वर्ग सिधार गई तभी समझ गया कि उपेन भैया भी चले जाएंगे लेकिन उनके जाने की इतनी जल्दी है ये बात हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता था वो हमेशा ही कम बातें करते हैं स्वर्ग का रथ बिल्कुल ही दरवाजे पर ना आने तक उन्होंने एक भी खबर नहीं दी कि उनका सब तैयार है मुझे डर नहीं है रे दिबाकर निर्भय होकर तू चल हमारे वो उपेन भैया अब नहीं है वो अब तेरा कोई अपराध नहीं मानते केवल मुस्कुराते रहते हैं छी इस धूल बाबू पर इस प्रकार तुम मत लेटो भाभी अच्छा हम लोग बाहर जा रहे हैं तुम लेटो उठो मत ये कहकर चटपट उठकर सतीश उसके पांव के जोर से छू ही समझ गया कि किरण भाई बेहोश होकर पड़ी हुई है स्वेच्छा से भूमि पर लेटी हुई नहीं है सतीश और दिवाकर दोनों ही एक दूसरे के मुंह की ओर निहारते खड़े रहे कुछ देर बाद सतीश ने धीरे से कहा ठीक यही डर था मुझे दिवाकर मैं जानता था कि यह खबर वो सह न सकेंगी दिवाकर ने चकित होकर सतीश के मुंह की ओर देखा सतीश ने आश्चर्य में पड़ कहा इतने निकट रहकर भी मुझे मालूम नहीं हुआ दिवाकर और डर होता है कि शायद भाभी को मार डालने के लिए ही ले जा रहा हूं लेकिन फिर भी ले जाना ही पड़ेगा इस संसार में दो आदमी इस शोक को सह न सकेंगे लेकिन एक तो स्वर्ग में है और दूसरी लेकिन जा तू तो पानी ले आ दिवाकर मैं हवा करता हूँ ये क्या रे तो कुछ बोलता क्यों नहीं एकाएक दिवाकर सिर से पैर तक कांप उठा दूसरे ही वो अचेतन किरणमय के पैरों पर औधा होकर कहने लगा मैं सब समझ गया हूं भाभी तुम मेरी पूजन या गुरुजन हो तो फिर क्यों इतने दिन छिपा तुमने मुझे नरक में डुबोया मैं इस महापाप से कैसे छुटकारा पाऊंगा भाभी अध्याय चौवालीस ने कहा सावित्री मेरी इन थोड़ी सी हड्डियों को गंगा जी में डाल देना बहन तुम बहुत सी ज्वालाओं से जल रहा हूँ कुछ तो ठंडा हो सकूंगा सावित्री को वो आजकल कभी तो तुम कभी तू तु, जो भी मुंह से निकलता था वही कहकर पुकारते थे सावित्री ने उनकी इस अंतिम इच्छा और अंतिम चिकित्सा के लिए कुछ दिन हुए कलकत्ता के जोड़ासाको मोहल्ले में एक मकान किराए पर ले रखा था आज संध्या के बाद वर्षा की एक झड़ी हो गई थी पर आकाश के बादल फटे नहीं थे उपेंद्र ने बहुत देर बाद अपनी थकी हुई दोनों आंखें खोलकर कहा सामने की खिड़की तो जरा खोल दे बहन उस बड़े तारे को एक बार देख लो सावित्री ने उसके माथे से रूखे बालों की धीरे धीरे हटाते हुए मृदु मृदुशोर से कहा शरीर में ठंडी हवा लगेगी भैया लगने दो न बहन अब उससे मुझे क्या डर है आज ही केवल उसको डर नहीं है ऐसा नहीं जिस दिन सुरबाला चली गई उसी दिन से नहीं है लेकिन इसीलिए सावित्री का डर तो दूर नहीं हुआ है जब तक सासा तब तक आशा संभवतः तो उसे मान्य है इसी कारण जब मृत्यु सिरहाने आसन जमा कर बैठ गई है तब भी वो तुच्छ हवा नाक के अंदर आने देने का साहस नहीं कर पा रही है उसने कहा लेकिन तारा तो दिखाई नहीं पड़ता भैया आकाश में तो बादल छाए हुए हैं उपेंद्र ने दोनों मलिन नेत्रों को उत्साह से फाड़ कर कहा बादल आहा हर समय का बादल बहन खोल दे खोल दे एक बार देख लूं फिर तो देख न सकूंगा बाहर ठंडी हवा बड़े बेग से बह रही थी सावित्री ने माथे पर छाती पर हाथ रख कर देखा जोर बढ़ रहा है प्रार्थना करके वो बोली अच्छे हो जाओ बादल तो कितने ही देखोगे भैया बाहर आंधी चल रही है आज मैं खिड़की न खोल सकूंगी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उपेंद्र ने नाराजगी से कहा भला चाहती है तो खोल दे सावित्री नहीं तो बरसात के दिनों में जब बादल उठेंगे तब तू रो रो कर मरेगी ये मैं कहकर ही जा रहा हूं अब देखने का समय नहीं मिलेगा सावित्री ने फिर कोई प्रतिवाद नहीं किया उसने आंखों के आंसू पोंछकर कर खिड़की खोल दी खुली खिड़की के बाहर उपेंद्र टकटकी बात कर देखते रहे आकाश के किसी अदृश्य छोर से रह रह कर बिजली चमक उठती थी उसकी चमक की छटा के सामने के गाढ़े काले बादल झलक उठते थे उन्हें देखते देखते उपेंद्र की साथ किसी प्रकार भी मिट नहीं रही है ऐसा जान पड़ रहा था सावित्री स्वयं भी एक छड़ पकड़कर उसी ओर देखती हुई मौन खड़ी थी उपेंद्र की दृष्टि एकाएक उस पर पड़ गई तो मन ही मन हंसकर वो बोले बंद कर दे बंद कर दे खिड़की बंद करके मेरे पास आकर बैठ लेकिन इतनी माया तो अच्छी नहीं है बहन भी हवा शरीर पर तो लगने नहीं देना चाहती लेकिन मेरे चले जाने पर तू क्या करेगी बता तो सावित्री खिड़की बंद करके पास आकर बैठ गई बोली तुम तो कह चुके हो कि मुझे काम देकर जाओगे मैं जीवन भर उसी को करती रहूंगी तुम मेरी आंखों के सामने ही दिन रात रहोगे कर सकोगी सावित्री ने धीरे से कहा कर क्यों न सकूंगी भैया तुम्हारी बात के लिए तो वो नहीं ना कहेंगे उपेन्द्र ने हंसते हुए कहा वो कौन सतीश सावित्री सिर झुकाए मौन ही रही उपेन्द्र ने उसके सलज मौन मुख की ओर देखकर लंबी सांस लेकर कहा सावित्री सतीश मेरा कौन है यह दूसरों के लिए समझना कठिन है बाहर से जो दिखाई पड़ता है उससे तो वो मेरा साथी है मेरा आजन्म का सखा है लेकिन जो संबंध दिखाई नहीं पड़ता उससे सतीश मेरा छोटा भाई है मेरा शिष्य है मेरा सदा का सेवक है उसी रात को बहन यदि तू अपना पूरा परिचय देकर हम लोगों को लौटा ले जाती तो संभव है मेरा अंतिम जीवन इतने दिन दुख में न बीतता दिबाकर भी शायद मुझे इतनी बेथा देने का मौका न पा सकता आंसू भरे नेत्रों से सावित्री ने कहा मैंने तुम लोगों को लौटाना चाहा था भैया लेकिन किसी प्रकार भी उन्होंने मुझे जाने जाने नहीं दिया दिया दोनों चौखटों पर हाथ रखकर मेरा मार्ग उन्होंने रोक दिया। कहा उनके सामने जाने से उनका अपमान करना होगा उनकी इच्छा कहकर उपेंद्र चुप हो गए घर पर उपेंद्र के पिता शिवप्रसाद गठिया रोग से सैया पर पड़े हुए थे गृहस्थी का काम धंधा छोड़कर माहेश्वरी उनके साथ ना आ सकी थी लेकिन मजलिबाई अभिभावक बनकर कलकत्ता के डेरे पर थे उनकी और एक दूसरे मनुष्य के पैरों की आहट सीढ़ी पर सुनाई पड़ी दूसरे ही क्षण वो कबीराज को साथ लिए कमरे में आ गए कबीराज ने उपेंद्र की नाड़ी देखकर जोर की परीक्षा करके ज्यों ही दबा बदलने का प्रस्ताव किया त्यों ही उपेंद्र ने हाथ छोड़कर कहा इसके लिए तो मुझे क्षमा करे बेदी जी आपसे छिपा तो कुछ नहीं है फिर जाते समय और क्या दुख दीजिएगा बूढ़े चिकित्सक के नेत्र भर आए बोले हम लोग हैं चिकित्सक अंतिम क्षण तक हमें निराश नहीं होना चाहिए बेटा इसके अतिरिक्त भगवान यदि सारी आशाएं समाप्त कर दे फिर भी कष्ट दूर करने के लिए दबा तो चाहिए ही उपेंद्र और प्रतिवाद न करके चुप हो गया तब दबाव बदलकर प्रयोग विधि बताकर चिकित्सक चला गया उनको भरोसा तो रंस मात्र भी न था बल्कि आज वह खूब अच्छी तरह जान गए कि रोगी की मृत्यु का समय तेजी से निकट आ रहा है तीन दिन, दिन के बाद सोमवार को सवेरे सावित्री एक तार हाथ में लिए आई और बोली कल प्रातः काल वे लोग जहाज पर चढ़ चुके हैं किसी का नाम सतीश ने नहीं दिया है कहाँ है देखो, उपेंद्र के पसारे हुए हाथ पर सावित्री ने तार रख दिया तार के कागज को उन्होंने उलट पुलट कर देखा फिर सावित्री को लौटा एक लंबी सांस ली जाते समय सतीश उसके एकांत में कह गया था कि किरणमय से भेंट हो जाने पर जैसे भी होगा वो उसको अवश्य लौटा लाएगा अपना भाई बहन का संबंध भी बता कर गया था इस परम आश्चर्यमय रमणी को एक बार देखने का कुतूहल सावित्री को बहुत दिनों से था लेकिन नासमझ सतीश कहीं उसको इस घर में ही न ले आए यह आशंका भी उससे थी उसने कहा वो सब ओर से विचार सोच करके काम नहीं करते मुझे डर है भैया कि वो किरणमयी भाभी को यही न ले आए उपेंद्र के होठों पर वेदना की सुखी हंसी दिखाई पड़ी उन्होंने कहा इस घर में वो आएंगी क्यों बहन इस देश में यदि वो लौट भी आए तो समझना होगा कि उसका दूसरा कारण है लेकिन यह तो सावित्री नहीं है वो तो कोई नासमझ नहीं है तेरी तरह वो लोक और परलोक को समान बनाकर नहीं बैठी है वो क्यों जानबूझकर इस भयंकर व्याधि के गर्त में गिरने आएगी बता तो, सावित्री ने आंखें झुकाकर बड़े कष्ट से आंसू रोके अपने को संभाल कर उपेंद्र ने फिर कहा एक आश्चर्य की बात तो यह देख सावित्री किसी समय उसने सचमुच ही मुझसे प्रेम किया था ये सुनकर सावित्री सचमुच सी आश्चर्य में पड़ गई क्योंकि ये बात उसने सतीश के मुंह से भी नहीं सुनी थी <ख्यों> था <maple> hai, तो क्या ये बात सच नहीं थी भैया उपेंद्र ने कहा वो बात भी सच थी बहन वो अनोखी है तुझे और सुरबाला को न जान लेने से मुझे ज्ञात होता कि ऐसी सेवा भी शायद और कोई स्त्री नहीं कर सकती पति को इतना अधिक प्यार करना भी शायद किसी के सामर्थ्य में नहीं है सावित्री ने कहा लेकिन यह तो छलना नहीं हो सकती उपेन्द्र ने सहमति जताकर कहा नहीं छलना तो नहीं है उसने तो कभी किसी को दिखाना नहीं चाहा उसकी पति सेवा की साक्षी केवल भगवान ही थे और हम दोनों और में थोड़ी ही देर के बाद उनको डॉक्टर अनंग मोहन की बात याद आ गई स्थिर रहकर वो बोले आज तो मेरा किसी पर क्रोध नहीं घृणा नहीं विद्वेष नहीं विराग नहीं आज मुझे बड़ी व्यथा के साथ ऐसा ख्याल आ रहा है कि वो सारा जीवन केवल इधर उधर टटोलती हुई ही घूमती रही है लेकिन किसी दिन उसे कुछ भी नहीं मिला उसने मुझे भी कभी प्यार नहीं किया कुछ भी प्यार करती तो क्या इतनी व्यथा दे सकती दिबाकर हम लोगों का क्या था इसे तो वो जानती थी उसके हाथ में ही तो मैं उसे सौंप गया था मैंने सोचा था मेरे स्नेह की वस्तु को वो भी स्नेह की दृष्टि से देखेगी कि वो कितनी बड़ी भूल मुझसे हुई थी उपेंद्र ने कुछ देर तक मौन रहकर कहा इसलिए सोच रहा हूं सतीश बिना सोचे समझे उसको साथ लिए कहीं यही ना आ से सावित्री ने कहा नहीं यह किसी प्रकार भी न हो सकेगा भैया अपनी बहन के रहने की व्यवस्था वो कहीं करें लेकिन यहाँ नहीं उपेंद्र कोई बात कहने ही जा रहे थे लेकिन मुंह की बात मुंह में ही रह गई अगौर किसी प्रकार बीमारी का खबर पाकर उपेंद्र के गुणों की प्रशंसा करते हुए रोते रोते कमरे में आ गई इस बीमारी की भयंकरता की उन्हें विशेष जानकारी नहीं थी फिर भी ये कहकर वो बिलाप करने लगी इस मुँहजली का जब भीख मांगते फिरने का समय आ गया है और जब बिना खाए सूख कर मर जाना ही अनिवार्य हो गया है तब उपेंद्र की सभी विपत्तियों को लेकर मैं ही क्यों नहीं मर जाती उपेंद्र ने इतने दुख में भी हँस कर कहा तुमको खाना क्यों ना मिलेगा मौसी फिर सावित्री को दिखाकर कहा मेरे जाने पर भी अपनी इस बहन को रख जाता हूं ये तुम लोगों को कष्ट न देगी अभी तक सावित्री पर नजर नहीं पड़ी थी अगोरमयी की उपेंद्र के कहने पर कठोर परिश्रम और मानसिक पीड़ा के कारण अपरिचित बहन की ओर देखकर उसके कुतूहल की सीमा नहीं रही लेकिन निवृत्ति के लिए उन्होंने मुख खोला ही था कि काम के बहाने सावित्री कमरे से चली गई बृहस्पतिवार को दिन में दस ग्यारह बजे सतीश जहाज घाट पर उतरकर गाड़ी किराए पर ले रहा था उसने देखा कि बिहारी खड़ा है मालिक को देखकर उसने पास आकर प्रणाम किया किरणमयी पास ही खड़ी थी बिहारी को संदेह हुआ कि ये वही है उसने इसके पहले कभी देखा नहीं था केवल सुना था कि वो असाधारण सुंदरी है लेकिन मैले कुचेले कपड़े पहने इस साधारण स्त्री में सौंदर्य का विशेष कुछ भी न देखकर उसने समझा कि ये कोई दूसरी ही स्त्री है आप सुन रहे हैं बुलबुल कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल में अचित घिमिरे की वाचन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की उपन्यास चरित्रहीन उसने धीरे धीरे कहा जी बाबू ने कहा है यदि वो बहू आ गई हो तो उसे और कहीं रख कर दो आदमी डेरे पर आए उसको साथ लेकर ना आए सतीश भूख प्यास और थकावट से यू ही दुखी हो रहा था बिहारी का यह अपमानजनक प्रस्ताव किरणमयी के मुंह पर ही सुनकर उज्जल उठा बोला क्यों उनको पेड़ के नीचे छोड़कर हम लोग उनके घर जाएंगे जाकर कह दे हम लोग वहां नहीं जाना चाहते बिहारी उदास हो गया किरणमयी ने निकट आकर रुखी हंसी हंसकर कहा यह तो ठीक बात है बबुआ इसमें नाराजगी की तो बात ही नहीं है अब बाबू कैसे हैं ब्यारी ब्यारी के उत्तर देने के पूर्व ही सतीश ने और भी नाराज होकर कहा तुझे किसने ये बात कहने के लिए भेजा है सावित्री ने देखता हूं उसका दिमाग बहुत चढ़ गया है सावित्री के प्रति एक कड़ी बात सुनकर ब्यारी ने किरणमयी के मुंह की ओर देख कर कहा आप ठीक कर रही है मांझी बाबू बिना समझे ही क्रोध कर रहे हैं इन सब बीमारियों में कोई भी क्या वहां जाना चाहेगा उपेंद्र बाबू ने कल रात सावित्री को बुलाकर स्वयं ही कहा था डरने की बात नहीं है किरणमयी मेरी बीमारी का नाम सुनकर इस मकान में ही क्यों इस मुहल्ले में भी ना आएगी सावित्री की तरह सभी को मरने जीने किरणमयी का मुख वेदना से एकदम विकृत हो गया उसने कहा यह बात क्या बाबू ने कही थी बिहारी बिहारी सिर हिलाकर उत्साह से कोई बात कहने जा रहा था कि सतीश ने धमकाकर कर कहा तो चुप रह अभागा कहीं कहा बिहारी सहम गया किरणमय ने कहा उस पर नाराज होने से क्या होगा बबुआ उसके बाद बिहारी की ओर देख कर कहा अपने बाबू से कहो डर की बात नहीं है उनकी आज्ञा पाए बिना मैं वहां न जाऊंगी सतीश से कहा बबुआ आज मुझे किसी होटल में रखकर क्या कोई छोटा सा मकान किराए पर नहीं मिल सकता सतीश ने उत्तेजित होकर कहा कलकत्ता शहर में मकानों की क्या चिंता है बाबी एक घंटे में सब ठीक कर दूंगा अरे दिबाकर जरा जल्दी जल्दी चल उसने किरण को गाड़ी पर चढ़ा दिया और स्वयं बक्स पर चढ़ बैठा गाड़ी के चले जाने पर क्षुभ्ध और लज्जित बिहारी उदास मुख से धीरे धीरे मकान की ओर चला गया सुविधा मिलते ही सावित्री भोर में झटपट गंगा जी में जाकर डुबकी लगा आती थी सतीश के लौट आने के बाद इधर लगातार कई दिनों से वह प्रतिदिन ही गंगा स्नान करने जाती है चार पांच दिन बाद एक दिन सवेरे स्नान पूजा करके उठते ही उसने देखा फाटक पर कुछ हल्ला गुल्ला मचा हुआ है एक बूढ़े ब्राह्मण स्नान करने के बाद नामावली ओढ़े मंत्र जपते जपते घर जा रहे थे कहीं से एक पगली ने आकर उनका मार्ग रोक लिया कहीं छूकर गंगा स्नान का सब पुंडे वो मिट्टी में न मिला दे इस डर से बूढ़े घबरा गए पगली बिनाही के साथ अद्भुत प्रश्न कर रही थी महाराज आप भगवान पर विश्वास करते हैं पुकारने से वो आते हैं कैसे आप लोग नहीं, नहीं सकती मुझे विश्वास क्यों नहीं होता जब आप में ब्राह्मण छात के डर से संकुचित तो होकर कह रहे थे देख अभी पहरेदार को पुकारता हूं राह छोड़ दे दो चार प्रौढ़ा स्त्रियां भी खड़ी होकर यह कौतुक देख रही थी उनमें से किसी ने कहा यह पागल नहीं है इसने रात भर शराब पिए यह सुनकर पगली ने कातर होकर कहा मैं भले घर की लड़की हूँ मैं शराब नहीं पीती वही तो मेरा घर है मैं केवल तुम लोगों से हाथ छोड़कर पूछती हूँ क्या सचमुच ही भगवान है तुम लोग क्या उनका चिंतन कर सकती हो उनकी भक्ति कर सकती हो मैं क्यों नहीं कर सकती मैं परसों से उनको कितना पुकार रही हूँ ये कहते कहते उसकी दोनों आंखों से झरझर आंसू पाने लगे सावित्री ने भी उसे पागल समझा लेकिन फिर भी इस अपरिचिता उन्मादिनी के अश्रु जल से भीगी हुई प्रार्थना, उसके सैकड़ों दुखों के वेदना से परिपूर्ण हृदय पर मानो हाहाकार करके जा पड़ी और पल भर में उसकी दोनों आंखें आंसुओं से भर गई पगली की दृष्टि एकाएक इस ओर पड़ते ही बूढ़े को छोड़कर सावित्री के सामने आकर वो बोली तुम भी तो संध्या वंदना करती हो तुम मुझे बता सकती हो चारों ओर भीड़ हो रही है देखकर सावित्री ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया ज्यों ही उसने हाथ पकड़ा त्यों चौंक कर कहा आपने मुझे छू दिया सावित्री ने कहा इसमें कोई दोष नहीं है आप मेरे घर चलिए रास्ते में चलते चलते आपको उत्तर दूंगी एक कहकर उस सभागिनी का हाथ पकड़े वो सड़क तक चली गई दो एक बात कहते ही वो समझ गई कि ये स्त्री पागल नहीं है लेकिन किसी और मन लगाने योग्य मन की अवस्था भी इसकी नहीं है बातचीत के बीच में ही वो एकाएक बोल उठी मैं भगवान से दिन रात प्रार्थना करती हूं कि उनके प्रति मैंने अपराध किए हैं इसीलिए उनकी बीमारी मुझे देकर उनको अच्छा कर दो अच्छा बहन ऐसा क्या हो सकता है उपवास करके दिन रात पुकारते रहने से क्या वास्तव में ही उनको दया आती है तुम जानती हो कहकर उसने तेज दृष्टि से सावित्री के मुंह की ओर देखा सावित्री के समझ में नहीं आया कि उसका क्या उत्तर देना चाहिए उसने कहा जाती हूँ गंगा स्नान करके जाती हूँ गंगा स्नान करने से बहुत से पाप कट जाते हैं फिर उत्तर के लिए प्रतीक्षा न कर चली गई अध्याय पैतालीस माया, अध्या आजा फेरी माया। आजा फेरी के नेत्रों से सावन की धारा की बाति आंसुओं की धारा बह रही है आज उसकी गोद पर उपेंद्र ने मृत्यु सैया बिछा दिए दुबले पतले ठंडे पांव पर मुंह रखकर दिवाकर चुपचाप भीतर ही भीतर रोता हुआ अपने हृदय का आश्चर्य दुख प्रकट कर रहा है उसका दुख, उसकी बेथा अंतर्यामी के अतिरिक्त और कौन जानेगा उस और कमरे में माहेश्वरी भूमि पर पड़ी हुई करुण कंठ से रो रही है इस घोर दुख से भरे शोक में केवल सतीशी अकेला स्थिर भाव से बैठा हुआ है आज प्रातः काल से ही उपेंद्र के मुंह से रह रहकर रक्त गिर रहा था हजार कोशिशें करने पर भी उसे रोका न जा सका सांस क्रमश भारी और तेज होती जा रही थी उसी की दुस्सह क्लेश सहकर उपेंद्र नेत्र बंद किए चुपचाप पड़े हुए थे एक बार नेत्र खोलकर सावित्री के मुंह की ओर देखकर उन्होंने अस्पुट स्वर से पूछा रात कितनी है बहन ये क्या बीतेगी नहीं सावित्री ने आंचल से उनके होठों पर से रक्त रेखा को पूछकर कहा अब अधिक नहीं है भैया क्या बहुत कष्ट हो रहा है उपेंद्र ने कहा नहीं बहन सबको जैसा होता है वैसा ही हो रहा है अधिक क्यों होगा जरा चुप रहकर उन्होंने उसी प्रकार कहा। सतीश, क्या पता नहीं लगा? आज चार दिनों से किरणमयी एकदम लापता है कलकत्ता पहुंचते ही सतीश एक मकान किराए पर लेकर एक नौकरानी रखकर सब आपसे प्रबंध कर आया था लेकिन उपेंद्र की बीमारी बहुत बढ़ जाने से वो दो तीन दिनों तक स्वयं आकर खोज खबर न ले सका था इन दिनों के बाद जाकर उसने देखा कि किरणमयी ने किसी वस्तु को छुआ तक नहीं है नई हाड़ी खरीद कर वो जहां रख आया था वहां उसी अवस्था में पड़ी हुई है चूल्हे में काले का दाग भी नहीं है नौकरानी ने आकर कहा काम किसका करूं बाबू बहू उस दिन जो आई खिड़की की छड़ पकड़े रहा की ओर निहारती हुई बैठी रही फिर तो वह उठी ही नहीं स्नान भी नहीं किया मुंह में पानी तक भी नहीं डाला बिछाया बिछना पड़ा रहा सोई भी नहीं उसके बाद कल सवेरे से तो उसे देख भी नहीं रही हूं साज सामान का जो कुछ करना हो करो बाबू मैं सुने घर में पहरा नहीं दे सकूंगी यह सुनकर सतीश माथे पर हाथ रखकर थोड़ी देर तक बैठा रहा अंत में दासी के हाथ में और पांच रुपए देकर लौट आया तभी आदमी भेजकर पता लगाने में उसने कोई कमी नहीं की लेकिन कोई फल नहीं मिलगा बातें उपेंद्र की कानों तक पहुंच चुकी थी अत्यंत व्यथा के साथ बीच बीच में सावित्री के मन में यह बात उठती थी कि उस दिन प्रातःकाल गंगा घाट पर उसने जिसे देखा था कहीं वही किरणमयी तो नहीं है लेकिन किरणमयी तो असाधारण सुंदरी है उस पगली में भी सुंदरता थी लेकिन उसे सुंदरी तो नहीं कहा जा सकता था लेकिन वो क्यों चली गई कहां गई किस लिए गई उपेंद्र के उत्तर में सतीश ने सिर हिलाकर कहा नहीं फिर उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया और दूसरे ही क्षण वो तंद्रा में चले गए इस प्रकार शेष रात बीत गई दिन में लगभग दस बजे फिर एक बार नेत्र खोलकर गौर से देखकर मानो पहचान कर वो छेड़क से बोले ये कौन है सरोजिनी है सरोजिनी भूमि पर घुटनों के बल बैठकर बिछौन में मुंह छिपा कर रोने लगी उपेन्द्र ने धीरे धीरे दाया हाथ उठाकर उसके माथे पर रख कर कहा तुम आ गई बहन तुमको ही मैं ढूंढ रहा था लेकिन किसी प्रकार भी याद नहीं कर पा रहा था आज न आने से शायद भेंट भी न होती ये कहकर वो मानो कुछ देर तक सोचने से लगे साफ पता चल गया कि अब सभी बातें याद करने की शक्ति नहीं है एकाएक मानो याद आते ही उन्होंने पुकारा सतीश रे सतीश ऊशोर की खिड़की पकड़े बाहर देखता हुआ चुपचाप खड़ा था पास आने पर उपेंद्र ने कहा तुम लोगों का ब्याह आंखों से देख जाने का समय नहीं मिला सतीश लेकिन मेरी इस लक्ष्मी रूपिणी बहन को तू कभी दुख नहीं देना अपना हाथ एक बार दे तो रे ये कहकर उन्होंने कंकाल सदृश हाथ को ऊपर उठाया सावित्री के झुके मुंह की ओर देखकर क्षण भर के लिए सतीश की छाती तड़क उठी लेकिन दूसरे ही क्षण उपेंद्र के कांपते हुए हाथ को अपने बलिष्ठ दाएं हाथ से पकड़ लिया उपेंद्र ने मन ही मन जगत तारिणी की बात याद करके कहा तू तो सरोजनी को तो जानता है उनको मैंने वचन दिया था कि अपने सतीश भाई को मैं तुम्हें ढूंढगा देखना रे मरे मर जाने के बाद कोई ये बात न कह सके कि तूने मेरी बात नहीं मानी है सपने आंसू रोक न सका रोकर बोला नहीं उपेन्द्र भैया कोई भी ये बात न कहेगा कि तुम्हारी बातों की अवज्ञा मैंने की है लेकिन फिर भी छिपाने से तो काम न चलेगा सभी बातें खोलकर बता देने की तो मुझे आवश्यकता है मैं अच्छा नहीं मुझ में बहुत से दोष हैं मैं अपराधी हूं इस पर भी किस प्रकार सरोजनी ग्रहण करेंगी बल्कि तुम मुझे यह अधिकार देकर जाओ जिस किसी के डर से किसी लोभ से किसी दुर्बलता से उसको मैं अस्वीकार न करूं जिसने मुझे प्यार करना सिखाया है यह कह कहकर उसने ज्यो ही सावित्री के मुंह की ओर घुमाया चारों आंखें मिल गई लेकिन उसी क्षण दोनों ने आंखें झुका ली उपेंद्र हंस पड़े बोले आज भी क्या वो बात मुझे जान लेना शेष है सतीश मैं सब जानता हूं सब जानकर ही मैं तुम लोगों को एक कर देना चाहता हूँ सतीश बोला लेकिन मुझे लेकर सरोजिनी सुखी हो सकेगी उत्तर देने की इच्छा से उपेंद्र ने सतीश के मुंह की ओर देखा देखते ही सावित्री बोल उठी ये भार तो मैंने अपने ऊपर ले लिया भैया तुम निश्चिंत रहो उपेंद्र चुप रहे वो केवल उसके मुंह की ओर ताकते रहे कुछ देर बाद बोले आशक्ति का बंधन अब तुम्हारे लिए नहीं है सावित्री दुर्भाग्य ने यदि तुमको कुल के बाहर ही निकाल दिया है बहन तो तुम फिर उसके भीतर जाने की चाह मत करना मेरा अनुरोध है सुनकर सावित्री पत्थर की मूर्ति की भांति नेत्र झुकाए बैठी रही आज सतीश एक और का है उस पर उसका तनिक भी अधिकार नहीं रहा उसकी भावनाओं को उसकी वासनाओं की उसके परम सुख की चरम दुख की उसकी दुस्सह वेदना की आज उसके नेत्रों के सामने ही समाप्ति हो गई लेकिन उसने लंबी सांस तक भी न निकलने दी बेथा से छाती के अंदर ऐठन पैदा होने लगी लेकिन सब साने वाली बसुमती जैसे अपने हृदय की दुर्गम अग्नि ज्वाला को सहती है ठीक उसी प्रकार सावित्री शांत मुंह से सब सहकर बैठी रही उपेंद्र ने कहा मैं समझ रहा हूँ बहन लेकिन भार संभाल न सकती तो क्या मैं तुझे ये भार दे जाता जब आप में सावित्री ने केवल उनके माथे के ऊपर पड़े हुए बालों को हटा दिया सतीश चिल्ला उठा ये ये हो तो भाभी सावित्री ने चौंक कर मुख उठाकर देखा ये तो वही गंगा घाट की पगली है बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई अत्यंत सावधानी से कमरे में आ रही है पल भर में कमरे के लोग चकित हो गए किरणमयी के रूखे बाल मुंह पर ललाट पर पीठ पर सर्वत्र बिखरे पड़े थे साड़ी फटी हुई मैली थी चितवन शून्य थी ये मानो उन्माद शोक मूर्ति धारण करके एकाएक कमरे में आ खड़ी हुई है उसने सतीश की ओर देखकर धीरे धीरे कहा खोजते खोजते मुझे मकान मिलता ही नहीं था बबुआ कितने ही लोगों से मैंने पूछा कोई भी न बता सका कि मकान कहां है आज मैं कालीबाड़ी से आ रही थी भाग्य से बिहारी से भेंट हो गई उसी से उसके पीछे पीछे आ सकी उपेंद्र की ओर घूमकर उसने पूछा आज कैसे हो बबुआ जी उपेंद्र ने हाथ हिलाकर बताया अच्छा नहीं हूं किरणमयी ने अत्यंत वेदना के साथ कहा आह मैं मर जाऊं सुरबाला अब नहीं है सुनकर रोते रोते मैं मर रही हूं वही तो मेरी गुरुआनी थी उसी ने तो मुझसे कहा था भगवान है एकाएक उसकी आंखें दिबा करके पीले चेहरे पर जा पड़ी तुरंत वो बोल उठी आह तुम ऐसे लज्जित क्यों रहे हो बबुआ तुमको क्या इन लोगों ने लज्जित किया है ये कहकर उसने उपेंद्र की ओर तेज दृष्टि डाल करके कहा इसको तुम लोग दुख मत देना बबुआ मेरे हाथ में जैसे तुमने सौंप दिया था उस सत्य को मैंने एक दिन के लिए भी नहीं तोड़ा उसकी प्राणपण से रक्षा करती आई हूं लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है फिर तुम लोग इनको वापस ले लो फिर एकाएक शांत होकर बोली मेरे आंचल में काली माई का प्रसाद बंधा हुआ है बबुआ थोड़ा सा खाओगे शायद अच्छे हो जाओगे सुना है इस तरह कितने ही लोग अच्छे हो गए हैं एक दिन जिस रमणी के रूप की सीमा नहीं थी विद्या बुद्धि का भी अंत नहीं था ये क्या वही किरण मै है आज वो क्या कह रही है वो स्वयं भी नहीं जानती है सतीश और न सह सका ओह कह कर कमरे से चला गया और इतने दिन बाद उपेंद्र के नेत्रों से किरणभ के लिए आंसू लुढ़क पड़े किरणमयी ने झोंक कर आँचल से उन आंसुओं को पोस कर कहा ओह oh, बबुआ जी अच्छे हो जाओगे सावित्री पर उसकी दृष्टि पड़ी उसे अच्छी प्रकार क्षण भर देख कर कहा उस दिन गंगा घाट पर तुम्ही से बैठ हुई थी ना जरा हट जाना ताकि तुम्हारी ही तरह मैं भी बबुआ के पास बैठूं। सरोजनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा मुझे तो पहचानती हो किरण ने कहा पहचानती क्यों नहीं तुम तो सरोजी नहीं हो किरण ने कहा चलो भाभी हम लोग उस कमरे में चलकर जरा बातचीत करें यह कहकर वो उसे पास के कमरे में खींच ले आई कमरे के बाहर जाते ही उपेंद्र अचेत हो गए शायद वेदना और चोट उन्हें असह्य हो गई थी किरण वैसे ही बैठी रही पानी तक मुंह में डालने के लिए वो न उठी दोपहर का सारा समय बेहोशी की ही दशा में बीत गया लेकिन संध्या के बाद जोर बढ़ जाने साथ ही साथ उनकी चेतना लौट आई नेत्र खोलते ही उनकी दृष्टि पड़ी सावित्री पर छेड़ शोर से बोली तू बैठी हुई है बहन तुझे छोड़कर जाने की बात याद आते ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं सावित्री सावित्री ने रोक कर कहा मुझे भी अपने साथ साथ ले चलो भैया उपेंद्र ने उसका उत्तर न देकर सतीश से कहा भाभी कहाँ है सतीश ने कहा नीचे सो रही है मेरी नजर में ही है दृष्टि में ही बराबर रखना भाई जितने दिनों में फिर ठीक न हो जाए लेकिन तुझे कोई डर नहीं है सतीश उनके हृदय में कितना बड़ा आघात हुआ है उसे समझाने की शक्ति हम लोगों में नहीं है लेकिन वो आघात जितना ही तेज क्यों न हो वो इतनी बड़ी बुद्धि को ज्यादा दिन न रख सकेगा सतीश बोला ये तो मैं जानता हूं उपेन भैया फिर तुम्हारी दिवाकर का भी भार मैं ही लेता हूँ यदि विश्वास करके तुम दे जाओ बात में उपेंद्र हंसने की कोशिश करके करवट बदल कर लेट रहे बहुत सी बातों ने बहुत सी उत्तेजनाओं ने जीवन दीप के अंतिम बचे खुचे तेल को भी जलाकर समाप्त कर दिया थोड़ी देर में देखा कि मुंह से रक्त बाहर आए सांस है या नहीं संदेह की बात है सब लोगों ने पकड़कर उनको नीचे उतार दिया उपेंद्र के निश्चल जर्जर प्राण अपनी सुरबाला की खोज में निकल पड़े तभी सब लोग गला फाड़ फाड़ कर रो पड़े उनके गगनभेदी शोर से घर कांप उठा लेकिन नीचे के कमरे में किरणमयी उद्योग रहित अपमान से सो रही थी अभी आप सुन रहे थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय लिखित उपन्यास चरित्रहीन की श्रव्य पुस्तक आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बता देना पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा हिंदी भाषा में अच्युत घिमिरे के आवाज में दूसरी उपन्यास सुनने के लिए बुलबुल कम्युनिकेशन चैनल के प्लेलिस्ट में क्लिक करें। धन्यवाद